दो पाँव दो आशीर्वाद दे, नौकर कर रहे हैं ऐसा मतलब। ये सलाम वकील साहब, क्या रिपेयर करूँ ये गाड़ी का? मेरी बात मानो, पैदल आया जाया करो, आपका टाइम बचेगा। अरे तू 2 साल से यही कह कहकर इसको बना रहा है ना, चल आज भी बना दे यार, मुझे देर हो रही है, जल्दी कर। ये सब क्या लगा रखा है मेरी दुकान के सामने, दिखाई नहीं देता? मेरे ग्राहकों को आने जाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। देख भाई, तू आज पहली बार आया, इसके लिए तेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। हम लोग पिछले 5 साल से ऐसा ही धंधा कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते, मेरी दुकान में रखे माल को बाहर सस्ते में बेचते हो और ऊपर से दादागिरी। तुम लोग जल्दी से जगह खाली करो, वरना मैं अभी वार्ड ऑफिसर को फोन करता हूँ। ये फोन वोन से कुछ नहीं होगा, साला लाइसेंस है हमारे पास, पूछ सब आपसे जाके। आपका नाम लेता है, बाप का नाम। किसने दिया ये लाइसेंस, किसने दिया? ये मारुति की डिक्की में अशोक लेलैंड, आप कौन के गवर्नमेंट डीएलआई लाइसेंस? सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम। ये आपका आजाद नगर में किधर भी कुछ भी करने का लाइसेंस जॉनी भाई और डैनी बाबा देते हैं, समझे क्या? जिसने लाइसेंस दिया है ना, उसी के घर पे जाकर अपना ठेला लगाओ, मेरी दुकान के सामने नहीं। तुम चाहते हो या मैं बुलाऊं पुलिस को? तू जानता नहीं उनको? अरे मैं नहीं डरता तेरे जॉनी और डैनी भाई से। बाजार में सबके सामने एक आदमी का खून हुआ और किसी ने कुछ नहीं देखा। गुड, वेरी गुड। हवलदार लाश का पोस्टमार्टम करा के फैमिली को दे देना। सुनिए इंस्पेक्टर साहब। यस। मेरा नाम हरीश पाटिल है, खून मेरे सामने हुआ था, मैं गवाही दूंगा। हाँ लेकिन अपने पैसे संभालना, नहीं तो फसल की तरह कोई उसे भी काट ले जाएगा। साहब संभालो सामान, अपुन छोड़ देना साहब, छोड़ दीजिए। अरे साहब छोड़ देगा अपुन। बैगला बैगला, आज तूफान मेले में बैठाता हूँ, ऐसा आओ तो पूरे बम्बई नहीं आओ तो आओ। अरे कुली रास्ता क्लियर कर, अब जा हट हट हट, आओ बैठो। और कैसा शहर है ये, जाओ कहाँ? अबे ओए बात क्या वो ऑटो वाला ठीक लग रहा है, वो ऑटो वाला कम महंगी ज्यादा लग रहा है। बादशाह ओ बादशाह जी, हम पंजाब से आए, आजाद नगर जाना। ओ तुसी धर्मेंद्र के गांव से आता, आके ऑटो रंजी से टकरा था, अभी देखो मैं तुमको कैसा पहुंचाता। बैठो, मैं ऑटो वाला मंजिल तक पहुंचाने वाला, सबके काम में आने वाला ऑटो वाला। जय रजनी देवा। भाई साहब ये आपकी ऑटो तो बड़ी अच्छी है, पर ये क्या फोटो लगा रखी है आपने हर जगह रजनी कार की? अपन को जो चाहे कहना, रजनी देवा का नाम इज्जत से लेना, ये ऑटो रजनी देवा के नाम से आई, 2 साल से करता अपन इसी से कमाई, एंड भगवान है रजनी। अच्छा तो फिर 2 साल पहले क्या करते थे? अपना भी एक जमाना था, डेंजर रजनी नाम पुराना था, पॉलिटिक्स की आवाज गैंग को ऐसा लग गया, पूरा गैंग आउटलाइन में जाकर नेता बन गया, मगर अपन अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराया, पॉलिटिक्स से काम कर दिया रिजेक्ट, ऑटो का काम कर लिया सिलेक्ट। जय रजनी देवा। लेकिन आपने अपने मीटर पर कपड़ा क्यों बांधा है? ओ बादशाह, पेट्रोल का दाम बढ़ता लीटर के हिसाब से, ऑटो वाला कैसे चलाएगा मीटर के हिसाब से? ये तो बेईमानी है, आप ग्राहकों को लूटते हो। तुम हमको बेईमान चोर डाकू बोलता है? देखो आजाद नगर का रेट फिक्स है, मेरा बाड़ा 66 है, देता है तो चलता है, नहीं तो तुम इधर ही उतरता है, बोलो क्या बोलता है?
हाँ हम समझते हैं, आप चलिए। सिस्टर से मिस्टर समझदार है। चलो भाई चलो, जल्दी करो जल्दी करो, तुम लोग बलराज नंदा की नाक कटवाओगे। यही पड़ा पहनते टके, पागल कर दिया। हेलो, हाँ जी बलराज नंदा बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर है खोते, दिमाग खराब कर दिया है सबने। ओ भाई मेरी सुपरस्टार साथ से लियो, देखो तो सही क्या कर रही हो। हैं जी उर्मिला जी, आप जलेबी बना रहे हो या पराठों में छेद कर रहे हो? हैं रवीना, ये लड्डू है कि पत्थर है? ओए ये क्या कर रही है तू, इतना मोटा मोटा हार्ड लड्डू बना रही है? हेलमेट पहन के खाना पड़ेगा, नहीं तो 14 टांके लगेंगे सिर पे। महिमा जी आप दांत को दिखा रही है, दांत अंदर करो। हाँ जी पागल कर दिया तुम लोगों ने, चर्बी चढ़ गई तुम सबको। नंदा साहब मेरी चर्बी आ गई है। ओए नंदा साहब। ओए मेरी जनानी बोफर्स, क्यों गरज रही है यार तू? एलो पैसे मंगाए थे ना। ओफो क्या हो गया चंचल रानी, मुंह कद्दू के कोफ्ते की तरह क्यों बना रखा है? प्रॉब्लम क्या है? आई लव यू डार्लिंग। चलो हटो, जब देखो हर महीने दो महीने तुम्हारे गांव से कोई न कोई आ धमकता है, जैसे ये घर नहीं कोई धर्मशाला हो। दो चार लोगों के आने से घर धर्मशाला थोड़ा ना हो जाता है? 25 साल पहले गांव छोड़ा था, तहजीब थोड़ा ना छोड़ी थी, इसलिए सबको मालूम है कि बंबई में दो ही लोगों के दिल जो हैं वो उनके घरों की तरह बड़े हैं, एक तरमंदर का पंजाब हाउस और एक बलराज नंदा का नंदा हाउस। आई लव यू डार्लिंग, फिक्र मत कर। ओ आ गया मेरा गोविंद पुत्र, आजा पुत्र, ओ आओ जी। पता तो यही है। ओए पते वाला भी वही है, गांव से सरपंच जी का फोन आया था। ओए सजनी, ओ आजा आजा पुत्र। चाचा जी पैरी पैरी यात्रा में तेरी जर्नी बनी तो ठीक रही ना? ठीक रही। ये रत्ना ओए सजनी सामान ले जा इनका, भाई सामान का लगे ले जा इनका। ओए रजनीकांत के डुप्लीकेट, तेरा भाड़ा शाड़ा कितना हुआ भाई? आधा टका का रेट फिक्स है, मेरा भाड़ा 66 है। चाचा जी ठग रहा है, स्टेशन से मीटर 30 रुपए ही दिखाता है। अपन मीटर से नहीं लीटर से चलता है, मिस्टर को मालूम है। मगर मुझे नहीं मालूम ना सजनी, इसका मीटर देख तू यार। हाँ जी चाचा जी, ऐसा तो मीटर ही नहीं आएगा। ऑटो में मीटर था जब बैठा सवारी, जब उतरा सवारी तो ऑटो मीटर से खाली। वापस कर दे मेरा मीटर। आप तो लीटर के हिसाब से चलते हैं, फिर मीटर की क्या जरूरत? वापस करते मेरे मीटर मुझको, मैं तो एक झापड़ में भेज दूंगा पंजाब तुझको। क्यों मिल गया बड़ा? काय को पूरा पंजाब मिलके मद्रास को हैरान करता, मस्करी मालूम नहीं। भाड़ा नहीं देने का तो नहीं देने का, मेरा मीटर वापस करना बाबा, मेरा मीटर वापस करना। देखो कभी किसी से ज्यादा लेना नहीं, लेकिन हक के पैसे कभी छोड़ना भी नहीं, समझे? चलो मीटर दे दो, लो लो। कमाल कर दिया यार, जो मैंने काम पिछले 25 साल में नहीं किया तूने 5 मिनट में कर दिया यार। वाह जी वाह। ओ लो जी, ये इस घर की मालकिन है, नाना पाटेकर पर गई है। चलो नमस्ते करो जी। पैरी पहना जी। ठीक है ठीक है। पैरी पहना जी। इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं मिलेगा। चलो पुत्र तेरे को तेरा कमरा दिखा दो, आओ जी आओ जी। अरे ओए नंदा साहब, काम धंधे पे जाना है कि नहीं? कमरा सजनी दिखा देगी। हाँ जी हाँ जी, काम धंधे पे जाना बेटा, तुम आराम करो, रात को डिनर पे खाना छाना खाएंगे, ठीक है? जी जी जी, जाओ जी दिखाओ कमरा दिखाओ। पानी पानी रे, खारा पानी रे। क्या पैंट लीक ही है, चुरा के भाग रहा। तेरी तो बहुत दिन से तलाश थी। ये आप में से किसी का बैग है? Yeah, it's mine. Thanks, Sisi. You're great. They call me Gitika. नमस्ते। चलेंगे? आया आया आया, बैठ 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 बैठ, मैं चलेगा, बैठ आया।
क्यों गीतिका, तेरा सीसी तेरे से इम्प्रेस नहीं हुआ? अरे पहली मुलाकात थी ना, इसलिए अलग ही इम्प्रेशन दिखा रहा था। अगली बार मिलने दे, उसे मैं दिखाऊंगी। लेट्स गो। ओ कमाल हो गया, ये भी कोई स्टोरी नहीं है मेरे लिए। नहीं नहीं ओए गोविंद मेरे पुत्र, ऐसी लड़कियां, ऐसे चोर तो इस शहर में 10,000 के हिसाब से मिलते हैं। तू इन लफड़ों में काय को पड़ता यार, तू मेरी केटरिंग कंपनी में काम करना यार। नंदा साहब खाते वक्त बात नहीं करते। ओए खाते वक्त डांटते भी नहीं है यार। हाँ जी बोलो। तुम पहले रत्ना का किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। ओ वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी बेटी सब कुछ करा देगी। बहुत बिजी रहती है, दिन में 24 घंटे भी उसके लिए कम पड़ते हैं। अभी देखना आती है 24 कहानियां सुनानी शुरू कर देगी। ओ मेरी बेटी की आवाज, ओ क्या आवाज है। ओए आ रहे हो पुत्र, आ रहे हो। ओ पुत्री डैडी, ओ पुत्री आई लव यू डैडी। ओ डैडी डैडी डैडी, ओ पुत्री डैडी डैडी डैडी, ओ पुत्री पुत्री, ओ पुत्री, ओ क्या कमाल लग रही है, क्या कमाल लग रही है यार तू। अरे डैड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव व्हाट हैपेंड। रियली थोड़ी रोटी खा लो। कम ऑन डैड, पता है आज क्या हुआ? एक चोर मेरा पर्स लेकर मोटरसाइकिल पर भागा। ओ इतना बड़ा रिस्क ले लिया उसने। अच्छा थोड़ी रोटी खा लो। डैड मैंने भी क्या स्टाइल से उसका पीछा किया, यू नो। क्यों खाम खा इतनी तकलीफ उठाई पुत्र तूने? थोड़ी रोटी खा लो। व्हाट आर यू सेइंग डैड, भला आपकी मेहनत की कमाई मैं उसे कैसे ले जाने देती? ओ वाह सुना सुना नाना पाटेकर, क्या बेटी के जज्बात है। फिर? अरे फिर क्या डैड, मैंने उस स्पीडिंग मोटरसाइकिल से उस चोर को यूं उठा लिया और फिर पता है क्या हुआ? और फिर उसका रोना, पुलिस का आना, माफी मांगना और पैसे मिल जाना वगैरह वगैरह। यस डैड यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट टेल मी ये सब आपको कैसे पता चला? ओ जो जो तेरे साथ हुआ वो सेम टू सेम गोविंद के साथ भी हो गया यार। गोविंद? हु गोविंद मॉम? ओ गोविंद द सन ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम पंजाब हु हैज कम हियर एंड राइट नाउ ही इज लिविंग विद अस एंड नाउ एब्सोल्युटली एट दिस स्टेज ही इज डिनरिंग एंड दिस इज मिस्टर गोविंद। नमस्ते। हाय सीसी, हाउ आर यू? सीसी मिर्ची लग रही है क्या? ये सीसी क्या है यार? ओ कम ऑन डैड, सीसी यानी कूल कैट। एक बार दोबारा बता। कूल कैट? कूल कैट? ओ कूल कैट, तू अपने AK-47 को कब मिला यार? जी अच्छा हमको चोर। अरे आप खाना तो खाइए डैड। कोई बैठने को बोलती, कभी खड़े होने को बोलती। क्या है ना डैड, आज मैं इसे जानती हूँ, कल पूरा आजाद नगर इसे जानेगा और परसों पूरी बम्बई। कमाल है। अरे डैड अगर हमारे कॉलेज में होता ना तो आज हमारा लीडर होता लीडर। और लीडर की बहन को एक कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तू करवा देना यार। बस एडमिशन्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन किस कोर्स में? जी मुझे लॉ करना है। लॉ? लॉ तो मैं अपने कॉलेज में करवा दूंगी। ऐसे गीतिका एडमिशन इतनी जल्दी कैसे मिल गया? तुमने कोई नई कहानी तो नहीं सुनाई ना अंदर? कम ऑन गोविंद, मतलब तो एडमिशन मिलने से था ना। ओके ओके चिल, रत्ना को एडमिशन अपनी टैलेंट की वजह से मिला है। हैप्पी? अब मिलाओ हाथ। नमस्ते, बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर। चलो। व्हाट गीतिका, क्या तुमने वाकई कोई कहानी सुनाकर एडमिशन करवाया? और नहीं तो क्या, तुझे लगता है मिड टर्म के बाद एडमिशन ऐसे ही मिल जाता है क्या? अरे बोलना पड़ा, तुम लोग कारगिल के रेफ्यूजी हो। व्हाट, कहीं भैया को पता चल गया ना? अरे तेरे भैया को तो कुछ पता नहीं चलने वाला, जिस दिन वो मुझे जान जाएंगे ना वो अपना हाथ खुद मेरी तरफ बढ़ा देंगे, देख लेना। कम लेट्स मीट माय फ्रेंड। हाँ आ गए, अभी इसको दिखाता हूँ मैं बराबर। चलो भैया जल्दी चलो। अयो भैया मत बोल मेरे को सजनी, वरना चलती ऑटो से कूद जाएगा रजनी। हाय मर जानिया, तू कितो आ गया इत्ते? तेरा ऑटो तो है उत्ते। ऑटो छोड़ के उत्ते मैं पहले आ गया इत्ते, तेरे नखरे भी तो है कितने। ओए कौन से नखरे? अयो रोज मेरे ऑटो के पास आती, मेरे आने के सामने मेकअप करती, मेरा दिल धड़काती, ऑटो भी स्टार्ट करवाती, दूसरे के ऑटो में बैठ के भागती। ओए तू अकेली सोनी कुड़ी नो वेख के डरा मत, गोविंद भैया ने एक थप्पड़ मारा था तो 12 चक्कर खा गया था। मैं भी एक चट्टे से जड़ दूंगी ना तो कम से कम 6 चक्कर तो लगवा दूंगी। हाँ अरे छे क्या, मैं तेरे साथ लगाने को तैयार हूँ 7 चक्कर, क्योंकि मेरा दिल बेचैन है तेरे दिल से लेने को टक्कर। ले तेरा मद्रासी दिल मेरे पंजाबी दिल ना टक्कर लेगा। ए तू काली हाँ बोल, कसम रजनी देवा की पूरा मद्रास आठ में भर के पंजाब लेके आएगा रे। जय रजनी देवा। खुद ही
क्या कर रहे हो तुम दोनों? पिछले एक घंटे से मैं रत्ना अब कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए। कहाँ है रत्ना? आइए ना। पेश है द न्यू एंड इम्प्रूव्ड रत्ना। धन्यवाद। रत्ना, क्या ये सब? जी, मैंने भैया, वो गीतिका ने कहा कि यही फैशन है। या? What या? कम कपड़ों को तो फैशन कहती हो? हमारे यहाँ तन के कपड़े को इज्जत कहते हैं, जो शरीर को ढकने के काम आता है, उतारने के नहीं। जाओ अंदर जाके कपड़े बदल के आओ, जाओ। जी भैया। Oh come on Govind, it's not just fashion here, it's a necessity. जरूरत है यार। अगर एडमिशन क्लोज के बाद भी एडमिशन मिलता है ना, तो इस फैशन की वजह से। अगर कॉलेज में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो इस फैशन की वजह से। अगर ऑफिस में प्रमोशन मिलता है ना, तो भी इसकी वजह से। प्रमोशन, एडमिशन सब अपने टैलेंट से मिलना चाहिए, कम कपड़ों से नहीं। फैशन और बेशर्मी में फर्क होता है। गलत फैशन की वजह से गुंडों के सामने परेशानी, और इज्जतदारों के सामने कभी कभी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अच्छा, इतने जबरदस्ती कभी नहीं। चलो। थैंक्स, इसको सबक सिखाना जरूरी था। ओए, ओए तू है कौन? कोई नया थानेदार है, कलेक्टर है, कौन है तू? तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी मेरी दुकान में घुस के हंगामा करने की? दुकान की ऐसी तैसी पीट दी। वो डैनी भाई था, डैनी, जॉनी हैंडसम का छोटा भाई। हाँ। और इससे पहले कि जॉनी गोवा से वापस चला आए, चले जाओ तुम यहाँ से। जाओ, जाओ। तू आया किधर से? और हमारे एरिया में लफड़ा करने का लाइसेंस तेरे को दिया किसने? हाँ। तूने मालूम है डैनी को मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब जा यहाँ से, जा। गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ी गलती है। ओए, आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और इस घर से चले जाइए। गुंडागर्दी करने के लिए बंबई में और भी बहुत सारे घर मिल जाएंगे यार। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, जो कर रहा था उसे सबक सिखाया। ओए, ये तेरा मेरा पंजाब नहीं, जहाँ बिना सोचे समझे आप किसी भी भिड़ गए और बाद में मामला रफा दफा हो गया और फिर किसी ने सुलह कर दी और आपने समोसे खा लिए। ओ ये बंबई है बंबई, यहाँ आदमी अपने काम से काम रखता है। कुछ भी करने से पहले आदमी सोचते हैं, समझते हैं, डरते हैं यार। लेकिन मैं क्यों डरूं? जिसने गलत काम किया है वो डरे। और मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहता यार। मैं नहीं चाहता कि इस घर में गुंडे बदमाश हैं। तू जा यहाँ से, दबा हो जा यार। एक मिनट गोविंद। ओह कम ऑन डैड, अगर यही बात मेरे साथ हुई होती तब भी आप यही कहते? यू शट अप, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यू शट अप। पहली बार आपके गाँव से कायदे का आदमी आया है और तुम उसे घर से निकाल रहे हो? मगर अभी तो तुमने गलत काम किया। गोविंद भैया ने कोई गलत काम नहीं किया, आप क्यों उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनो गोविंद, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखती हूँ इस घर से तुम्हें कौन निकालता है। ओ यार, मैं औरतों को समझता ही नहीं। तुम्हें रखना तो रख लो, आ जाओ जी वापस आ जाओ और समोसे खा के जाओ और आलू का पराठा आ जाओ। अब जाने भी दो गोविंद, तुम्हें डैड की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो हवा की तरह रुख बदलते रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर उन्होंने उस लड़की की चीख सुनी होती तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन जिन्होंने चीख सुनी उन्होंने कुछ नहीं कहा, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उन लोगों को अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे? अगर वो लोग चुप बैठते मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही भला बुरा कहा। ओह कम ऑन गोविंद, अगर 40 लोगों ने बुरा भला कहा तो 4 ने अच्छा भी तो कहा ना। और 4 से 40 और 40 से 40,000 होते देर नहीं लगती, वक्त ऐसे ही तो बदलता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। मानते हो ना मैं स्मार्ट हूँ।
और एक अच्छी दोस्त भी बन सकती हो। लोगों का यही हाल होना चाहिए। आपको देख के लगा था कि आप एक शरीफ आदमी हैं, अपने भाई को समझाएंगे, लेकिन आप तो उससे भी घटिया निकले। ये साले घटिया ही नहीं, कमीने भी हैं। लोगों को डराते धमकाते, मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। याद है मुझे भी एक बार पागल बनने पे मजबूर किया था तुमने? याद है साले हरामजादा? साला हल्के भिखारी, हमसे हफ्ता लेता है, नवा नवा कपड़ा पहनता है, अपने आप को हैंडसम बुलाता है। अरे ये तो भिखारी है भिखारी। हमारे गांव में ऐसे लोगों को नंगा करके, गंजा करके, सारे मोहल्ले में घुमाकर भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। ये भिखारी है, भिखारी। हम छोटा भिखारी, ये साला बड़ा भिखारी। अरे ये भिखारी के पास साला कपड़ा है और हम नंगा है। हाँ, हम नंगा है। इस साले को नंगा कर दो। अरे चलो इसको नंगा कर दो। ए, क्या हो रहा जानी को? सुना खाना पीना नहीं खाया?
ये छोटा मोटा बात तो होता ही रहता है। किधर है वो? ए जानी, क्या रे, क्या ये छोटा बच्चा की तरह रोता है? अभी हम आ गया ना सदानंद कुट्टी, सब ठीक हो जाएगा। देख जानी, आपस का दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अगर कोई बाहर वाला दुश्मनी करेगा ना तो हम सब एक है, मिलकर छील डालेगा राम को। ओ पंदीना कुड़का ने, तेरे को सबका सामने मार के हमारा साथ दुश्मनी का छोटा लाइन खींचा, अभी हम सारा पब्लिक का सामने उस साला को फिनिश करके पब्लिक का दिल में डर का एकदम लंबा लाइन खींचेगा। चल तुखाना का। हाँ तुखाना का, करीम खान की तलवार की धार अभी देखी नहीं उसने, किधर मिलेगा वो आराम? तो अभी चले क्या? तो और क्या? ए, अभी का अभी मैटर फिनिश करने का। अभी दफना के आते हैं हराम को। चलो। रामशरण जी यहाँ के समाज सेवक, हम इनकी हर बात मानते हैं। नमस्ते जी, मैं गोविंद नारंग हूँ, आपने मुझे बुलाया। जानता हूँ भाई, जानता हूँ, तुम्हारा नाम तो अब सभी लोग जान गए हैं। तुम्हें तो इन्हें जॉनी के गुंडा राज से छुटकारा दिलाया है। देखो ये सब ना तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब तो तुम ही हमारे नए मसीहा हो, इसलिए हम ठेले वाले जो हफ्ता या टैक्स जॉनी भाई को दिया करते थे अब तुम्हें दिया करेंगे। हम शॉपकीपर्स ने भी यही फैसला किया है। हाँ, और हम सब नवजीवन कॉलोनी वालों का चंदा या टैक्स जो भी बनता था वो अब हम तुम्हें दिया करेंगे। डेफिनेटली, तुम तो लायक भी हो लेने के लिए। जी आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, टैक्स की असली हकदार तो सरकार है। आप लोग टैक्स ईमानदारी से सरकार को दीजिए। कौन रे वो कुत्ता?
पानी बहुत भगाया। इससे पहले और भगाए छोटा छोटा पीसेस करो इसका। जाओ दबला ना साले को यहीं पर। कहाँ जा रहे साले को? गोविंद, तुम्हें वापस घर में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अंत भला तो सब भला। जी हाँ। अब अगर तुम ठीक हो गए हो तो बताओ आगे क्या सोचा है? जी, अब मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। इसी के बारे में आपसे राय लेनी थी। तो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। ये कौन है? नंदा साहब के कोई रिश्तेदार लगते हैं, लगता है पंजाब से आए हैं। ओए नंदा, रे शाम को बराबर गाड़ी चला के बाड़ा लेके आने का, ठीक है? ठीक है। हां नंदा, ओए नंदा टकले, ओए नंदा नंदा। हां जी, सत श्री अकाल जी। हां जी, मैं बलराज नंदा। तुसी मेनू नहीं पहचानिया? नहीं जी, मैं तानू नहीं पहचानिया। तुसी कौन हो? ओ मेनू नहीं पहचानिया? नहीं जी, मैं तानू कह रहा, मैं तानू नहीं पहचानिया। ओए नंदा, तू हो गया अंधा, तू मैनू नहीं पहचानिया। ओए छड्डो, ए मजाक ना करो। ए ओ सजड़ी, किते सजड़ी? सजड़ी सजड़ी। हां ओ सरदार जी, रुको। तू ओए सजड़ी, ओए सजड़ी, ओए सजड़ी। ओ की हाल है तुहाडा? की हाल है सरदार जी? पागल हो गए की कर रहे हो तुसी? एक मिनट यार, सवाल हो गया, किड्डी बड़ी हो गई है, इन्नी इन्नी सी थी यार, मैनू भूल गई। तुसी हो कौन? हो कौन है? ओ बैठ के टीवी देख रही है, बीवी नहीं बननी तुहानू? चाचा जी कौन है ये? ओ मैं तुहानू नहीं पहचाना, तुसी की कर रहे हो इत्थे? यार गल ना कर यार, एक देवा फिर। मैं मुंडा लै के आया जलंधर तो, ऑटो चलांदा है, चंगा मुंडा है। सजरी दी गल कीती थी। ओ मैं तुहानू किया ना, मैं तुहानू नहीं पहचानिया, तुसी हो कौन यार? नहीं पहचानिया? हां ऐ भी नहीं पहचान रही है, तुसी भी नहीं पहचान रहे हो। सरदार जी, मैं तुहानू पहचान लिया। हां जी, आ जा, थैंक यू। ऑटो वाला, ऑटो वाला। रजनी पुत्र, तू बाहर जा, बाहर जा, मैं सरदार जी की खातिर करांगा। हां जी हां जी, दरवाजा बंद। सरदार जी आ रहे, आ रहे, फिक्र मत करो। ऑटो, ओ जी ए दरवाजा भी बंद। लो जी, फोन होगी खातिर। ऑटो वाला, ऑटो वाला। हां जी हां जी, आओ जी, लो जी, मदरासी सरदार जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ।
ए आ ओ लड़ी ए तड़ी ए तेरी सनी ना आया बाहर बन के लो सारी सारी ए मारे तेरी लड़ी आ के टकला ओ तड़ी ए तड़ी अब मार के सनी ना आया बाहर बन के क्या रे एक जगह मारता अम्मा ए तेरी तड़ी आ अस्किरी मालूम नहीं क्या हुआ रजनी अन्ना अस्किरी मालूम नहीं एक ही जगह मारता मालूम कितना तकलीफ होता मैं कितना मेहनत करके मैक पकड़ के आया ये आदमी मारता मेरे को सजड़ी तू डरना नहीं मैं आएगा रजनी ये पीछे हट लोग भेष बदल कर आ रहे हैं हमारे घर में यहाँ क्या हो रहा है ओए तू चुप कर मैंने पता थे की हो रहा है ओए तू मंडा नहीं नहीं चाचा जी मैं ओए तू छोरो को गोविंद और तू हट जा सामने तो लड़े से ले आए भाई जी बहन जी इधर आइए और जो माल अंदर 200 का मिलेगा ना इधर 50 रुपए का पड़ेगा आइए जल्दी आइए जल्दी बोले की आइए जल्दी आइए क्या बोला तू मेरी दुकान के सामने ठेला लगा तो ऊपर से मेरा ही गलत होता है चल हटा यहां से अपना ठेला ए ठेला इधर ही रहेगा तेरे को जो करना है कर ले हाँ बोले बहन जी वो सब जॉनी के दम पे था अभी उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता देखता हूँ तेरा ठेलाया कैसे रहता है ए चल जा अंदर ए बुढ़ा ए क्या बोल दे रहा बे साला जॉनी इधर हो ना हो हम लोग इधर ही धंधा करेगा लफड़ा मत कर बहुत भारी पड़ेगा तेरे को क्या बात है भाई क्या हुआ सुना देव साहब क्या बोल रहा है ये क्यों रे एक तो तुम सब यहाँ गैर कानूनी ठेला लगाता है ऊपर से दादागिरी करता है पूरी मार्केट गिरवा देंगे हमारा ठेला तोड़ा तो तुम्हारी दुकान भी तोड़ेंगे हम लोग तेरी यही हिम्मत तू हमारी दुकान तोड़ेगा धमकी देता है तू ऐसा ही समझ बुढ़ाओ थोबड़ा तोड़ूंगा साहब एक मिनट क्या कर रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो अरे एक मिनट बोलता की थोड़ा तोड़ देगा मेरा क्या करेगा बोलता है धंधा इधर से हटा हम किधर जाएगा तो फिर सस्ते में माल बेच के हमारा धंधा काई को तोड़ता है हमारा माल हम कितने में और राम सर जी आप बताओ ऐसे में हम अपनी दुकानें कैसे चलाएं ए पगड़े सरदार जी ऐसे में तो किसी का भी धंधा नहीं चलेगा कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना हाँ गोविंद जी आप ही कोई हल निकालो हाँ गोविंद पुत्र जैसे तुमने जॉनी को यहाँ से निकाला इन भिखारियों को भी निकालो एक मिनट बात सुनो रुक जाओ देखो गोविंद कोई ना कोई हल निकालेगा लेकिन आप सबको भी उसकी बात माननी पड़ेगी बोलो मंजूर है सरदार जी मंजूर है रामशरण जी मैं तो इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ लेकिन इस समस्या का हल इतना आसान है गोविंद आप कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा वो कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है मेरे ख्याल से सब आ गए हैं गोविंद तुम ही समझाओ तो बेहतर रहेगा हाँ सुनिए देखिए आप सबकी समस्या का एक हल हमने सोचा इसीलिए हॉकर्स भाइयों के साथ साथ दुकानदारों को भी यहाँ बुलाया ये रघुनाथ रेड्डी जी हैं हरिओम नामक एक संस्था के ट्रस्टी इनकी संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और हमारी समस्या सुनने के बाद ये लोग हमारी भी मदद करने के लिए तैयार हैं आज इस जमीन की कीमत मार्केट में 2 करोड़ रुपये है जो रेड्डी साहब हमें 1 करोड़ रुपये में देने के लिए तैयार है उसमें से 50 लाख रुपये हमें अभी देने पड़ेंगे और बाकी के 50 लाख आसान किस्तों में देखिए अगर आप लोगों ने 25,000 रुपये भी जमा किए तो 40 लाख हो जाते हैं और बाकी के 10 लाख दुकानदार भाइयों से जमा कर लेंगे बोलिए आप लोगों को मंजूर है और क्योंकि गोविंद ने हमें राह दिखाई है इसलिए इस मार्केट का नाम भी गोविंद मार्केट होना चाहिए तो मिली है मेरे को कितने दिनों के बाद गले लग के गर्मी बुझा दे आज गर्मी बुझाओ ठंडा पियो साहब आ गया तेरा गर्मी बुझाने वाला ए पैतकार यार डनिए उंगली मत कर मेरे को मोहब्बत के बीच में मैं तो दफना दूंगा तेरे को जू के बीच में क्या ये आदमी है बाप ओए तू मोहब्बत ही करता रहेगा या शादी भी करेगा ना मैं हूँ निकम्मा ना तू है निकम्मी शादी करके हम दोनों बनेंगे डैडी और मम्मी ले कर ले गल आटे दाल दा भा पता है तेनु डैडी बनेगा खिलाएगा क्या रुक जा तेरा राशन वाला भी आ गया तू 4 बारी चक्के रख ले बच्चियां दे कम आएगी
कम आएंगी सालक दुनिया से कम करता डाई मेरे बच्चे को कड़े कड़े बेबस मार देगा चल रहे चल हट साला या एक बात बता तू मद्रासी मैं पंजाबी कैसे होएगी शादी मक्के की रोटी सांभर से खाएंगे धर्मेंद्र हेमा के माफिक हम भी शादी बनाएंगे और शादी की बात कौन करेगा कल ही आऊंगा टकले से बात करने घर तेरे टकला माना तो ठीक नहीं तो बिन पैरे हम तेरे जा तेरा नया रिश्तेदार आ गया हुण वे की बेच रहा है क्या बेच रहा रे क्या बेच रहा रे सारा तेरे बेचने के लिए यही ऑटो मिला रे सोनो गन्ना बेच रहे तेरा रिश्तेदार गन्ना ऑटो में डालने वाला गन्ना कौन रे बदतमीजी एक जमाओ तो उतर जाएगा पैंट कमीज ये मेरी पैंट कमीज उतारेगा तू चल मैं तेरी उतारता हूं चल चल इसको लेकर गया था मस्करी में थोड़ा वो जो पूछ रहा उसका जवाब दे तू इसको लेकर गया था वो मेरे ऑटो में मस्करी में थोड़ा तू चुप कर और तेरा इसका चक्कर चल रहा है नहीं हां जी तू इसके साथ खुश रहेगी अरे सुन तू तू इसको खुश रखेगा ये थोड़ा चुप बैठेगा तो मैं इसको खुश रखूंगा चुप यार गांव में सबको मेरा प्रणाम कहना और अतीत की इन यादों के साथ अपने अतीत को भी नदी में बहा देना रत्ना और मैं भी तुम्हारे साथ चलते लेकिन क्या करें कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलेगी मैं समझता हूं पंजाबी अन्ना मेरा भी दिल करता आपके साथ गांव चलो उधर जाके हनीमून मनाओ लेकिन क्या करेगा इधर सजनी अकेली है ना ओए सजनी के रजनी दिलशील काम वहां में भी लगा समझा कि नहीं हां क्या करता पागल है डराता है मैं चलता हूं चाचा जी रत्ना का ख्याल रखिएगा और तू रत्ना की फिक्र मत कर बस तू जल्दी जा और जल्दी आ अगर हम इसी तरह मिलजुल के काम करते रहे हाँ। तो जल्दी ही गोविंद मार्केट बन के तैयार हो जाएगी हाँ। हाँ। मेरा पाव भाजी का दुकान उधर कोने में और मेरी दुकान वाह उस तरफ वाह वाह और मेरी उस तरफ हाँ। अरे भाई पहले मार्केट तो बन जाने दो हाँ। फिर जगह भी तय कर लेंगे हाँ। हैं चंद्र भाई यही जगह है ना इस तरह से आप यहाँ मार्केट नहीं बना सकते ये गैर कानूनी है मुझे ये सब हटाना होगा ये जमीन हमारी है 50 लाख दिया हमने इसके लिए और क्या इंस्पेक्टर साहब ये जमीन हमने इसके मालिक रघुनाथ रेड्डी से खरीदी है कौन रघुनाथ रेड्डी इस जमीन का मालिक मैं हूँ चंद्र तोलानी ये इसके कागजात ये झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है देखिए देखिए साहब आपको गलत फहमी हुई है गोविंद खुद 50 लाख रुपए देकर आया है देखिए किसी ने बेवकूफ बनाया है आपको 10 करोड़ की जमीन 50 लाख में अरे बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है भाई मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर ये सब खाली करवाओ आप जाकर बाहर बैठ के मैं जमीन खाली करवाता हूँ ठीक है जल्दी करवाओ चलाओ ऐसे कैसे खाली करवाओ जल्दी से पेपर लेकर आओ अभी जाओ जाओ अभी ओम नमो राय पीतरो ओम नमो शेषा पीतरो ओम नमो गुणेन पीतरो पीतरे नमः पीतरे नमः ओम कैसे हो गया ये सब
हमारी जमीन गई, हमारे पैसे गए, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। शेख रघुनाथ रेड्डी को लाने गया है, थोड़ा सब्र करो, उसे आ तो जाने दो। आखिर कब तक? रामचरण जी गड़बड़ हो गई ना, तो वहाँ रघुनाथ रेड्डी है ना हरिओम संस्था का ऑफिस, वहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं। तुम गरीब लोगों का पैसा गया ये देख के अपन के दिल को वो टच कर गया यार। साला वो रघुनाथ रेड्डी भी गायब, हफीज भी गायब, पैसा भी गायब। अरे जिसने वो पैसा दिया वो गोविंद भी गायब हो जाएगा। तुम हमारे बीच में मत बोलो। अरे हम तो बर्बाद हो गए, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा खून बहा है, हम भी खून बहाएंगे। गोविंद के घर चलते हैं। ठीक है, तो गोविंद के घर जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। ये लो रत्ना, अगर आप ये पॉइंट समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है माय लॉर्ड, मैं इजाजत चाहूंगा। अरे भाई ये इजाजत तो सिर्फ रत्ना ही दे सकती है। चुप। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा बोल रहे तो कुछ मालूम ही नहीं है, हुआ क्या है? अरे वो गोविंद हम लोगों का 50 लाख रुपए लेके भाग गया है। वो गोविंद किसी का पैसा लेकर नहीं भाग सकता, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, गोविंद ऐसा नहीं है यार। वही बोल रहे, मेरा बात सुनते। अरे हम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसको दी थी, वो साला हम लोगों के पैसे लेके भाग गया। निकालो चोर को घर से। मेरी बात तो, अरे गोविंद ये तो क्या हुआ, उसकी बहन तो है। चलो चलो चलो। पीछे हटिए आप लोग पीछे आइए प्लीज। पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए। पागल हो गए क्या तुम लोग? गोविंद चोर है, धोखे बाज है वो। गोविंद को बाहर निकालो, बाहर निकालो, पीछे हटो, पीछे। तुम जानते हो भैया चोर नहीं है। मैं जानती हूं, चोर नहीं है। मैं आती हूं ना, हां बोल भाई। पीछे हटो, मैंने कहा ना पीछे हटो। आप लोग मेरी बात क्यों सुन रहे हो? आप पीछे हटिए यहां से, जाइए यहां से। नहीं जाओगे तुम जरा निकलेगी। ये रोडवेज का रूल है। क्यों? और की पहले जाते प्रॉब्लम, बाद जाते प्रॉब्लम, साले प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देख तू अभी जा और आधे घंटे बाद आ। आधे घंटे में तो मर जाएगी वो। तो हम क्या करें भाई साहब, गवर्नमेंट के वफादार नौकर जो हैं, कानून नियम तो मानना ही पड़ेगा ना। गोविंद भाजी, गोविंद भाजी। ओए उसके पास क्यों जा रहे हैं? अरे वो तो हमसे भी ज्यादा कानून और नियम मानते हैं। गोविंद भाजी वो देखिए मेरी बीवी कैसे दर्द से तड़प रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे जल्दी अस्पताल नहीं ले गए तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात तो सारा गाँव मानता है, प्लीज आप इनको चलने के लिए कहिए ना, शायद वो मान जाए। वो तो ठीक है, लेकिन कायदा कानून भी तो कुछ होता है ना। क्यों बाजी? और की समझदार नहीं बेवकूफ कहीं का। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी के पास जाकर बैठो, बस सही वक्त पर निकलेगी। जाओ जाओ, मेरी बात मानो। सबर कर, पुत्र अनु बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ इंतजाम कर। तुम भी करो, मैं कोई और गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। बाबा जी। हाँ जी। कितने पैसे हुए? 2 रुपए 12 आने जी। समझ गया प्राजी। अरे इस दूध की चाय किसी को पिलाई तो नहीं?
हाँ, अभी अभी वो भाई लोग को दिया है। आप लोगों ने चाय पी? हाँ, क्यों की हो या भाई? अरे इसमें तो चिपकली है, जहर होगा ना। अबे ओ! अरे क्या करते हैं आप लोग हा? अरे प्राजी मैंने देखा ही नहीं, चाय पिलाते हैं सबको। अरे तो मेरा जहर हो गया होगा, मैं क्या करूँ, ये दोनों तो मर जाएंगे। महंगी पैगी पाजी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? चालू जान दो, 80 बार जाओगे। अभी आधा घंटा बाकी है। हमें जाने दो भाई, हम मर जाएंगे। अरे आप लोग तो सरकार के वफादार नौकर हैं, नियम और कानून आप लोग तोड़ेंगे तो कौन रखेगा? अभी बस समय पर जाएगी आधे घंटे बाद। आधे घंटे में नहीं, आधे घंटे में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन अपने लिए नियम और कानून तोड़ोगे, उनके लिए नहीं है? अरे मेरे भाई, हम उनको भी ले जाएंगे। आ मेरी माँ। हाँ सुनो 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 सुनो, दूध में चिपकली नहीं थी, मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन आप उनको लेकर जरूर जाइए, समझे? जाओ, चलो जाओ। अरे खोल, खोल। सुनो, नियम और कानून इंसानों के लिए होता है, इंसान नियम और कानून के लिए नहीं होते। किसी की जान से बढ़कर कोई नियम, कोई कानून, कोई नौकरी नहीं होती, समझे? हम समझ गए, ऐसे याद रखेंगे पाजी। चलो, ये कितना एहसान है तुझ पर। पुष्पा तेरी पत्नी है, तेरे होने वाले बच्चे की माँ, छोड़ ये सब बाहर के चक्कर। अरे तेरी जगह कोई दूसरा होता ना, गर्दन काट के मेज पे रख देता। बहुत सहन कर चुका हूँ मैं। सहन करने के लिए मैं हूँ ना वीर जी, पत्नी मैं हूँ, और हक हक उस पुलिस वाली के पास है, और ये उसका। बस भी कीजिए ना आप लोग, बहुत बोल। मुझसे क्यों नहीं बात करता? अरे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दीवारों से नहीं बातें कर रहा हूँ मैं। ये कभी कुछ बोले हैं जो आज बोलेंगे, बस खाते रहेंगे। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे साले की अकड़ तो देख। भैया जाने दो वीर जी, जा रहे होंगे उनकी महबूबा के पास। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, एक एक से हिसाब लूंगा, चाहे वो तेरा पति हो या वो कमीनी पुलिस वाली। ओए एकी, तो सारी जनानियां इत्थों कित्थों आ रही हैं? एकी हो रिया। ओए भाई साहब, ओए रुको, ए थानेदारनी से मिलला, रुको, चला रुको, ओए अरे ए कमाले यार, रुको भाई, ओए ए थानेदारनी बारा, ए बारा। मैडम वो बाहर बहुत सी लेडी जी आपको बुला। चल आज बोलेगा ने इसको, बजाओ और जोर से बजाओ। ए आप लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? ए जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। गांव वालों, यही वो औरत है जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है, इस गंदगी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। आज मेरा पति है, कल किसी और का होगा, ये कब तक चलेगा? ऐसी औरत को यहाँ से भगाना ही होगा। ए, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई रे? सांप सुन गया क्या? क्यों बहनों, आप लोग क्या चाहते कि आपके पति भी इसके साथ भाग जाए क्या? इसे गांव में रहने कोई हक नहीं है। मारो इसको, मारो, निकालो यहाँ से। सर जी, मैं गोविंदपुर तो सुखवंत सिंह बोल रहा हूँ, यहाँ लेडीज ने बहुत गड़बड़ कर दी है जी, आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। बहुत हो गया, जो जी में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप लोग। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरी बिनती है आप सबसे पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। मूव इट, मूव बैक, जाइए, मूव इट। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये मत समझना मैं तेरे से डर गया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, चल बहना। मैडम सर की बस आ गई। जनाब चलो पापे। ये साले बस वाले भी पीके चलाते हैं तेरी। चलो गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर आपको खामखा इतनी दूर आना पड़ा।
खामखा क्यों? तुम्हारे यहाँ से तो फोन आया था। क्या गड़बड़ हो गई है? जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोविन नारंग को जानती हो? हाँ। क्यों सर, कोई बात हो गई? किसी को बताना मत। हाँ? वो जो कोविन की बीवी है ना, पुष्पा, वो मेरी महबूबा है। चलो इसी बहाने पुष्पा से मिल लूंगा। अरे अच्छी खासी दोस्ती यारी चल रही थी हमारी, पेट से हो गई साली। बोली शादी कर ले। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं। तब भी उसके बाप को बोला, रखता हूं, उसका खर्चा दूंगा। बड्डा भड़क गया। ठीक है, बाद में बुड्ढे ने अपनी बातों में फंसा कर उसे गोविंद के गले बांध दिया। साला हरामखोर। हो गई गोविंद की शादी पुष्पा से। बेचारा वो तो किसी और से करने वाला था। उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं, और तो और मेरे बच्चे को भी उसने अपना नाम दे दिया। यकीन नहीं होता, आला आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। याना नहीं, मैं अभी आता हूं। क्या देख रही है पुष्पा? चांद ढूंढ रही हूं। आज करवा चौथ है ना, इन सब रिवाजों से मुझे नफरत है। करवा चौथ है तो बीवी उपास रखे। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे इस चांद को भी आज ही छुपना था। अरे मेरी बहन खुद चांद जैसी है, उसे चांद की क्या जरूरत? चला खाना खाते। नहीं बीजी, पति के हाथ से खाना खाते है ना। अरे तेरा पति नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगी? चला खाना खाते। नहीं बीजी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ बैठ आराम से। आज मैं अपने हाथ से दे, मेरी बहन अब बहुत भूखी है, ये ले। याद है बचपन में हमेशा मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था। तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। वीर जी, आप जैसा भाई हर जन्म में मिले, लेकिन ऐसा धोखेबाज पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। तू उल्टी सीधी बातें छोड़, तू खाना खाना बेटा। नहीं वीर जी, मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भरा होगा, लेकिन उसका आज से तुझे डबल खाना चाहिए। थोड़ा अपने लिए, थोड़ा उसके लिए, ये ले खा ले। जिद्दी हो गई है तू। वीर जी, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति मेरे ओर देखता भी नहीं है? अरे उसकी नजरें कमजोर है जो तुझे पहचान नहीं पाया। अब बातें कम और खाना ज्यादा, ये ले। क्या हुआ? वीर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश लात मारेगा तुझे। ए बदमाश, मेरी बहन को तकलीफ दी ना, बाहर निकलेगा तो नाक काट लूंगा तेरे। ये ले खाना खा, उसके लिए खा ले। पुष्पा, पेट में बहुत जलन हो रही है। अरे पुष्पा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाए, खाना खा ले। क्या हुआ बेटा? जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटी जी, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी वीर जी।
वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पर जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है। दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू, तेरे पेट में उस कमीने पुलिस वाले का पाप पल रहा था। तेरे यार ने सर झुकल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला। और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तेरी इस हरकत की वजह सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई। तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से माँ मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता स्वान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए। तेरे साथ देवी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। नहीं वीर जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानती है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। इसी में सबकी भलाई है। वीर जी, वीर जी। भाभी, भाभी क्या हुआ? Hey! कोई ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। जा यहाँ से, जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू, कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा, नहीं गोविंद, हट जाओ। लक्ष्मण, हट जाओ। हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। ये तूने क्या किया लक्ष्मण? ये तूने क्या किया? तू इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बना। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं। इसकी वजह से मैंने तुझे अपने मां बाप का कातिल समझा। कितनी बार तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू महान है गोविंद, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर। लाओ चाबियां दे दो, ये रहे घर के कागजात और चाबियां। गोविंद पुत्र, तू अपनी सारी जायदाद पंचायत दाना करके अपना गांव और मिट्टी छटके जा रहा है। जी, सोच रहा हूँ रत्ना को शहर ले जाऊंगा, वहां से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा। सरपंच जी, मेरी एक ख्वाहिश है कि इस घर में मासी जी के नाम का एक स्कूल और पिताजी के नाम से एक अस्पताल बनाया जाए। चलता हूँ। मेरी बहना जीती रहो पुत्र, वाहेगुरु खुश है। चलो मेरे भाई ने प्यार और पैसा दोनों इंसानियत के लिए त्याग दिया, और जिस प्यार को भैया ने जुबान के लिए कुर्बान किया वो इसी की सुधा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा आदमी चोर और धोखेबाज हो सकता है तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए। मैं साइन नहीं करूंगा। पर क्यों? मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। मैं किसी को सजा दिलवाना नहीं चाहता। ये तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो गोविंद, तुम किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहते। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। नहीं, मैं इस गोविंद को नहीं जानती। जबरदस्ती। गोविंद ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी बहन का रेप किसने किया उसने नहीं देखा। Cheers! और क्या बयान देता, इतना जिसके साथ हो जाए उसकी तो बोलती बंद भी हो जाएगी। ओ गार्डा ने हमारा साथ
गुड़बा किया, दुश्मनी किया, क्या हुआ? साला हॉस्पिटल में चादर लेकर पड़ा। अरे भैया, अगर वो पहले वाला गोविंद होता तो चादर का कफन बना दिया। भाई गरीबों का मसीहा। बस बस यार, बस बस बस, अभी उस साले का बात नहीं करने का। वो चैप्टर क्लोज, लेट अस सेलिब्रेट। आया है। अरे फिर आया है, अब आया है तो हो क्या आई है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक शेर याद आया है। बोलिए बोलिए। बोलो बोलो। मैं अपने मोटापे पर इस कदर हैरान हो गया हूँ, बार बार आते जाते परेशान हो गया हूँ। इतने सारे पोस्टमैन, बोरिया भर के लेटर्स। मिर्जा साहब, हमारी सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार रहने आया है क्या? अरे आपके सामने एक शायर आजम बैठा है, वो किसी फिल्म स्टार से कम है क्या? देखो कितनी सब फैन मेल आ गई। अरे जनाब, मेरी शायरी के हिंदुस्तान में डंके बज रहे हैं। टनाटन 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 टनाटन। आओ भाई आओ, इसमें लड़कियों के खत कितने हैं? अरे भाई इतने सारे लेटर्स किसके लिए हैं? साहब है लेटर्स ना, लीगल नोटिस आए। अयो, ये हमारे सोसाइटी में कौन इलीगल काम किया है जो ये लीगल नोटिस लेके आया है? अरे मेरे ख्याल में हमारे फ्लैट्स कहीं इलीगल जमीन पर तो नहीं है? ओ नो। अरे बिल्डर का नोटिस तो नहीं कहीं? अरे अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हम सबको आती नोटिस ना। आओ सबके वास्ते है, ये लो अपना अपना नोटिस। बिल्ले अब्दुल रहमान, क्या रे क्या चाहिए, बख्शीश चाहिए? नहीं साहब, लीगल नोटिस है। ये बख्शीश मेरे को किसने भेजा? साइन कीजिए। क्यों बच्चा, मनी ऑर्डर लाए हो? नहीं सर, ये तो लीगल नोटिस है। ओ गॉड, लव लेटर्स? नहीं सर, लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस? लीगल नोटिस? अरे मेरी छिंची पोपड़ी वाली बीगम ने। हेलो एवरीबॉडी, कहीं उसने तलाक का नोटिस तो नहीं मिला? दा सब अपने डाउन क्यों है जा रहे? अरे कि मिर्जा दा, ये देखे की होच्चे। अरे क्या होच्चे होच्चे लगा रखी है यार, ये फिरंगियों की जबान में न जाने क्या लिखा है, अब मेरी समझ में तो आता नहीं। मैंने तालीम दारुल उलूम में हासिल की है, ये देखो। शो मी। क्या लिखा है? पूरा सोसाइटी को लीगल नोटिस है। आप लोग फिकर मत कीजिए, हम शाला इस लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देगा उसको, हम उसको छोड़ेगा नहीं, देख लेगा उसको। अरे भाई किसको क्या लिखा है इसमें? वो चीट है, फ्रॉड है, धोखेबाज एक नंबर का। मगर कौन? अरे गोविंद का बच्चा। गोविंद? शाला हम पर इल्जाम लगाया है, हमको लीगल नोटिस भेजा है कि हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में उसका बहन का रेप किया है। और उस पर हमला किया। देखा आप लोगों ने कैसी बकवास नोटिस भेजी है, जिसने रेप किया वो ठीक है, जिसका रेप हुआ वो भी ठीक है, फिर हम कैसे गुनेगार बने, हमारा क्या लेना देना उसमें? हाँ यार ये तो बात हो गई है। बाबा जी, उसने आपको भी रेप का नोटिस भेजा? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सारी बीमारी मुझे में। उस नालायक ने मैं रेप किया बोल के नोटिस भेज दिया। मैं रेप कर सकता हूँ क्या बाबा? सुको, यू चीट, यू डोंगी, ये सब क्या है? मैं जब तुम्हें घर में बुलाती हूँ तो कहते हो मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, हजार बहाने करते हो, और तुम बाहर जाकर ये कारनामा करके आए। आखिर मुझ में से क्या कमी है सुको? आप में कोई कमी नहीं। ढाली, मैंने कुछ नहीं किया, न घर के अंदर न बाहर। तो तुम्हारे नाम पे नोटिस क्यों आई? कमाल है, इस नोटिस में तुम्हारा भी नाम है, तो क्या तुमने भी रेप किया है? मैंने? अरे भाई लोग सुनो, नोटिस तुम लोगों को आया साथ साथ मेरे को भी आया, मेरी बात समझ में आती है, लेकिन स्वामी जी को भी? देखो कब से बेचारे लिफाफे की तरह कांप रहे हैं। अनर्थ हो गया बच्चा, अनर्थ। जब डाकी को देखा तो हमें लगा हमारे किसी विदेशी भक्त ने हमें दान में डॉलर भेजा होगा, पर खोला तो देखा रेप का आरोप। शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम। ये कैसा हुआ मालूम? लोन किसी एक ने उठाया, सुधापुन भर रहे, सारा किसी को नहीं छोड़ा उसने, न पुलिंग को न स्त्रीलिंग को। माय गॉड, मुझे भी नहीं छोड़ा, मेरे बारे में तो सब जानते हैं, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ? ए गुल्लू, तूने बराबर पॉइंट पकड़ लिया, कोर्ट से तू छूटेगा। सच्ची? रियली? तू नहीं छूटेगा। अरे भाई मर्द तो मर्द होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान या फिर गुल्लू जैसा। आदमी को अगर मौका मिले तो घंटी बजाने से बाज नहीं आता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने ये सुना है कि एक औरत ने
दूसरी औरत का रेप किया है? अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ कीजिए ना चेयरमैन साहब। करेगा ना मैडम, हम करेगा। हम सब लोग मिलके वो गोविंद का बच्चा के घर पे जाएगा, उसको चैलेंज करेगा और पूछेगा कि शाला स्टूपिड जो नोटिस है इसका मतलब क्या है। अभी तो आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, खामोश क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, हम बोलेगा, हम डरता है कि? ए गोविंद, तू सबको इतना घोटाला नोटिस क्यों भेजा? और तो और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बाबा, हम तो टेलीविजन का ऊपर भी कभी मर्डर और रेप देखता है ना, तो बीवी का गोद में डर के मारे छुप जाता है, बोल नहीं। बराबर छे, ये क्या रेप करेगा? ए गोविंद, तुम भी कॉमिक है, हमारा नाम देश पांडे है, रेप पांडे नहीं क्या? हा? बच्चा, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं। शांतम पापम, शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। I hate you। रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। I hate you गोविंद। I hate you। I'm sorry। ओ गोविंद भाई, और सौ बात की एक बात, यार कुछ पैसे पूसे लेने हैं तो ले ले, मगर ये समन वापस करवा दे। अरे हम पैसे तो देंगे, जहां मैं लेके आए नहीं देंगे भाई, हम नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिए। क्वाइट प्लीज, क्वाइट, शांत रहिए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुलजिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है, और जितने मुलजिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है, और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। Am I right, Mr. हरीश पाटिल? Yes, Your Honor। और इन सबके ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया Your Honor, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलॉर्ड, और हम क्या को रेप वाला दिखता है, और हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया, हम लड़की लोगों को हेट करता है, उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर, सर हम बहुत शरीफ आदमी सर, अभी हमारा बीवी हमारा एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर, हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर, देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सब ने देखा, मैंने देखा, ये मिर्जा साहब ने देखा। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था, क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ, अगर हजार लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलॉर्ड। ओ सारन साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है। असल बात ये है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। जज साहब, न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे इसने। दलाल है ये, अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इस गोविंद नारंग को नहीं। भैया, भैया मैं एक गांव का आदमी हूं, जहां एक घर के चूल्हे से
सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव जलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है। मैं इसकी कसम खा कर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया। क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने जमीर की आवाज से जो एक लड़की की चीख सुनकर रोक नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके जमीर से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछा क्यों, क्यों? जानी को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग एक इंच भी आगे नहीं आए। और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछता हूं क्यों, क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था यह सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां अगर इसने अपना सब कुछ खो दिया, एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन लेकिन इसने तो वो भी खो। मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा, क्यों, क्यों, क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा क्यों? अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कबर डाल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला। क्यों, क्यों? धीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। हा? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी, और वो गुंडे भट्टी पर, फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि औरत ना मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता, तो मेरी जगह पर आज तुम यहां होते मिस्टर दिलीप रॉय, और मैं और मेरी बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए, आप लोगों का सोचने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है, कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है। तो क्या कभी आप कभी कान कभी दरवाजा बंद कर देने से आप लोग महफूज रहोगे, सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब, अब बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया, यही शिक्षा देते हैं आप? बीए, एमए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं, अगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं, अगर ये गुंडे हमारे चाकते हुए हमारा खून बहाते हैं और हम कुछ नहीं करते। भैया, मुझे इन लोगों से शिकायत या गुस्सा नहीं है,
और ना ही मैंने आप लोगों को यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है। मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं आज भी इन गुंडों से अपनी बहन का बदला अकेला ले सकता हूं। या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन किसी एक के मरने मारने से यह गुंडागर्दी का पेड़ नहीं गिरेगा। उसे झट से उखाड़ना होगा और उसके लिए आप सबको एक होना होगा। जिस दिन आप एक हो जाओगे, हमारी गिनती करोड़ों में होगी, 100 करोड़। और वो गुंडे मुट्ठी भर, गुंडों की सारी ताकत उनके हथियार और आपके डर में होती है। लेकिन याद रखिए, हथियार उठाने वाला कभी साहसी नहीं होता, क्योंकि उससे अपने से ज्यादा भरोसा उसके हथियार पर होता है, जो कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आपका साहस, आपकी ताकत आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार, और फिर देखिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उस देश का जॉनी हो या बाहर मुल्क का दुश्मन। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे आप लोगों को इस तरह कोर्ट में बुलाना पड़ा। इसलिए मैं अदालत और अब सबसे माफी चाहता हूं, माफ कीजिएगा। गोविंद, गोविंद बेटा सुनो, एक मिनट। गोविंद, मैं एक आम आदमी हूं। समाज की ये रोज रोज बढ़ती हुई अनगिनत बुराइयों ने इस आम आदमी की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया, लेकिन आज इस अदालत में तुम्हारी बातों ने मुझे, इस आम आदमी को, एक नई आवाज दी, एक नए आगाज के लिए। गोविंद, मैं कम से कम तुम्हारे साथ हूं। गोविंद बेटा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गोविंद सब तुम्हारे साथ। गोविंद मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। 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 हम सब तुम्हारे साथ हैं। गवाही देंगे, बुलाइए उन सब गुंडों को, हम सब गवाही देंगे। ये अदालत जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, करीम खान तूफानी, सदानंद कुट्टी, रामशरण शुक्ला एवं उनके सभी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। The court is adjourned. मैं कभी जिस गोविंद को जानती थी, आज एक लंबे अरसे के बाद उसे अपने सामने देख रही हूँ। मुझे फख्र है आप, तुम पर। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लोगों में डर ही इस धंधे की बुनियाद है, और अगर ये डर निकल गया ना, तो सबका राम नाम सत्य है, समझो। कोई कोर्ट नहीं जाएगा। भेड़ा, जी साहब, तू जा। ए, करीम भाई जिंदा है अभी, और उसकी तलवार की धार भी। देखता हूँ कोर्ट कैसे जाते हैं साले। ए, कॉलने वालों, हम जो बोलते हैं वो आँख कान नाक सब कुछ बराबर खोल कर सुनने का। अरे तुम लोगों को चर्बी आई ले, हाँ? अरे देख, कोर्ट में जाकर कोई भी गवाही देगा और सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही बनेगा ना, तो सबकी चर्बी किलो के भाव का। चल पीछे हट। आवाज आवाज दी है। ओ हरामजादो, खबरदार जो कोई कोर्ट में गया तो जैसे रहते थे वैसे ही रहो, ज्यादा कलेजा दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना छील छील के सबको कसाई की दुकान में उल्टा लटका दूंगा। क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपको कोई परेशानी है क्या? अबे ओ आम आदमी, तेरे को आम की तरह निचोड़ कर तेरा मैंगो जूस निकालेगा? भाईजान की बात बराबर सुनने का और घर में चुपचाप बैठने का। ए दादा, अभी तुम्हारा आवाज सुनने का टाइम क्या? अभी तुम लोग हमारा आवाज सुनो। आप ना अपना घर में जाके बैठो, नहीं तो याद है ना कि जॉनी को कैसे मार मार के नोंगा और गंजा किया था? तुम शाला शॉप को पकड़ पकड़ के मारेगा, समझा की? ए, साला करीम तूफानी को धमकी देता है, छील ले इस हरामजादे को सबके सामने, छील ले। ए करीम भाई,
अब तुम्हारा भाईगिरी का टाइम खत्म हो गया, समझा ना? अभी भाई चारे का टाइम चालू हो गया, क्यों गुल्लू? हाँ देशपांडे, तुम बिल्कुल मर्दानगी वाला बात किया, लेकिन सबसे पहले इन नामर्दों को यहाँ से हटाओ। नामर्द, आई हेट नामर्द। तेरे मामा लोग खड़े हैं। हाँ बहुत बड़ा राड़ा हो गया साहिबा, वो कॉलोनी वालों को अपुन समझाने के लिए गया था, वो लोग अपुन को समझे। ये वो लोग को हम समझा देगा, वो करीम किधर रहे? अरे वो भाईजान बहुत समझदार निकला, पतली गली पकड़ के भाग गया। देख देख, ये उस तूफान का आगाज है जो तुम लोगों को तिनके की तरह बहाकर तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। एक अकेली मौज समंदर से कैसे टकराएगी, चट्टानों से टकरा के आंधी वापस आ जाएगी। हम मिलके साथ चलेंगे तो सैलाब नया एक लाएंगे, इस आसमां को झुकाएंगे। चला मेरे सारे के चोट निकले, आ जा। अरे जाओ, रोको ने, रोको। जॉनी भाई, जॉनी भाई, सब लोग इधर ही आ रहे हैं, हम लोग बचेंगे नहीं, पीछे से भाग चलते हैं। जॉनी नहीं भागेगा, मैं साला सामने से मारेगा। ए, आज जिंदा बचेगा तो कल मारेगा ना? मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। प्रेस्टीज हमारा भी है, मारा जाएगा। तो अपनी प्रेस्टीज बचाने दो, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो भाग लो मेरे साथ। चलो चलो चलो, अरे आ जाओ आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तो अन्ना सही बोल रहा है जॉनी, हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, हम फिर से बना लेंगे ये सब कुछ। जॉनी समझते क्यों नहीं मेरी बात? हेलो हैंसन, ड्रॉप योर गन। ऊपर क्या जाने के खतरे लाए थे, मेरे हाथ में डूब लाए थे। Oh!
वापस बनता है। कभी किसी जवान मर्द का रेप किया कर। लड़कियों को रेप करने का बड़ा शौक है ना तुझे? मुझे रेप छोड़, मेरा रेप कौन करेगा? पिछली बार तो तूने मौका खो दिया था, अब मैं तुझे मौका देती हूँ, कर मेरा रेप, कर। आजाद नगर के निवासियों की गवाही और पुलिस की तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत, जहां रामशरण शुक्ला और उनके बाकी साथियों को 7 साल की कैद का हुक्म सुनाती है, वहीं जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, सदानंद कुट्टी और करीम खान तूफानी को ताजिरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। और ये हुक्म भी देती है कि उनकी तमाम जायदाद को बेचकर जो पैसा मिले उसे गोविंद मार्केट बनाने में लगाया जाए। The court is adjourned. गोविंद, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ करना बेटे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हो गया है। हाँ गोविंद, इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हम सब में इतनी ताकत और इतना विश्वास है। यस, तुम्हारे जैसे मर्द की सख्त जरूरत है सोसाइटी को, और खासकर मुझे। गुल्ली, हम अलग अलग कितने कमजोर थे, तुमने हमें एकता सिखा दी। मैंने पिताजी से सीखा था कि अगर फसल को बचाना है तो कीड़ों को मारना ही पड़ेगा। यही बात आज आप लोग ने सीखी, और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। चलता हूँ, नमस्ते। कितना अच्छा आदमी है ना। अरे बस करो गुल्ली यार। ए रजनी देवा। अन्ना। और गोविंद पुत्र, तू यहाँ सामान का लगेज बांध के भाग रहा है, वहां तेरा सम्मान आया हुआ है यार। ओ जी, ये रहा समन। हरीश, तुम चाचा जी ये समन में समझा नहीं। ओ भाई, हरीश पुत्र जो है अपनी रत्ना से शादी करना चाहता है यार। जी, अगर आप इजाजत दें और रत्ना को मंजूर हो तो। हरीश, हरीश, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी भी एक ख्वाहिश है जो तुम्हें पूरी करनी है। अरे बेटी, तेरी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि गोविंद शादी के लिए हाँ कर दे। ओए नाना पाटेकर, अपनी बेटी को समझा। बेटी समझा कर। हाँ या ना डैड, जब तक गोविंद शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा, मैं ना खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना किसी से बात करूंगी। मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं आऊंगी, समझे आप? अरे मैं देखता हूं। कितिका, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। अगर वो सामने आ जाए तो क्या हाँ कहोगे? बोलो गोविंद, हाँ कहोगे? हाँ या ना? यही तो मेरी ख्वाहिश थी। Presenting the couple of the new millennium, Govind and Sudha Narang. मतलब तू गोविंद और सुधा को, मतलब अपना कुछ सोचा ही, कमाल है यार। मानते हो ना डैड, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आपकी बेटी ही ला सकती है। भाई तू ऐसे ही कहानी में ट्विस्ट लाती रहेगी तो हम तो जिंदगी भर ट्विस्ट करते रहेंगे। तेरी कहानी में ट्विस्ट लाने वाला कोई है कि नहीं यार? वरी नॉट डैड, आपकी बेटी की कहानी में ट्विस्ट लाने वाला इस वक्त अपनी स्पोर्ट्स कार रोककर किसी दुकान से मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा। वो जरूर खरीद रहा होगा पुत्र, जरूर खरीद रहा होगा। तू करोड़ों में एक है। वो है कोई आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स कार से उतरकर फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा? कोई है कि नहीं है?
अयो 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 भी हम हैं। एड्रेस चाहिए? रानी, डॉटर ऑफ राजेश्वरी देवी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझे? बलात्कार हो गया तो क्या हुआ? बलात्कार होना तो 20वीं सदी में मामूली बात है। हाँ मेरी बेटी की रिपोर्ट करने वाले कौन हैं? ये है मैडम। ओ, अच्छा मुझे ये तो बताओ, लेफ्ट में लगा या राइट में लगा? घूरते क्यों हो? मुंह बनाने से तुम क्या समझते हो? मैं ज्यादा पैसे दे दूंगी? तुम्हारा पैसा हमें नहीं चाहिए, हम केस करेंगे। मगर रिपोर्ट कौन लिखेगा? हाँ, इंस्पेक्टर दम है? नहीं मैडम। कन्हैया, लेफ्ट को लगने वाले को 1000, राइट पर लगने वाले को 2000। रिश्वत का पैसा हमें नहीं चाहिए। मंत्री के जुल्म की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो हम स्ट्राइक कर देंगे। स्ट्राइक? मैं नहीं डरती, ऐसी कई हड़तालें बर्दाश्त कर चुके हैं हम, तुम क्या चीज हो? स्ट्राइक करने से तुम ही लोग हारने वाले हो, ना कि हम। ये राजनीति है कन्हैया। सुनो, ये 5000 रुपए है, आपस में बांट लो। नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर, इन चारों लड़कों पे एक मिनिस्टर की औलाद के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में केस फाइल करो, इन चारों को जेल में डाल दो। नमस्कार सर। गांव में स्कूल खोलने की सोच रहे हैं, मिनिस्टर से कहकर ग्रांट दिलवा दीजिएगा। ठीक है, दिलवा दूंगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। कन्हैया। हाँ हाँ। नमस्कार मैडम। क्या प्रॉब्लम? मुँह क्या देख रहे हो?
बेटी कहाँ है? ऊपर है, कमरे में। सर मेरा काम करवा दीजिए ना। अभी तो दिया है, देखने तो। सर वो कौन है? वो मेरी बीवी का है, भाई है। और आप? मैं मिनिस्टर का पति हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? नमस्कार सर। क्या लफड़ा है? चेची, मिनिस्टर का पति होने की बजाय कुत्ते की दुम होता तो बेहतर था, कम से कम मक्खियां तो उड़ा सकता। तुम लोग परसों आके मिलो। जी आइए। चल प्रकाश सर। जय बजरंग। आओ बजर बट्टू। ऐसे मुझे मत पुकारो, अब तो पूरी पार्टी का बीपी हूँ। यानी वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ। इतना ही ना, इससे ज्यादा मेरा क्या होगा? पैसे वाले मंत्री पद को तो तुम उड़ा लेते हो, और जैसे रोते हुए बच्चे को पीपरमेंट थमा देते हैं, वैसे बीपीपीपी बनाकर छोड़ दिया है। ये है पॉलिटिक्स। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद बातें करना सीख गए हो? बात करना तो सीख गया, पार्टी लाया हूँ फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। ओके, कंफर्म हो गया। सर जरा मंत्री जी को बोलेंगे कि मैं लाया हूँ ये पार्टी। कह दूंगा। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। बड़े आदमी बनोगे। ये पैसा किसका डैडी? ये तुम्हारी बुआ का, ये हमारा। ये तो घपला है। अरे पगले, एक आदमी जब मिनिस्टर बनता है तो उसके भाई बहन दामाद और बेटे सभी लोग माल बनाते हैं। यही तो मौका है बेटे माल अंदर करने का, जेब गरम करने का। इतना घपला होता है? थैंक यू मम्मी। सुनो, कल कॉलेज स्टूडेंट हमारे खिलाफ स्ट्राइक करने वाले हैं। कोई गड़बड़ी हुई तो पत्रकार मुसीबत खड़ी कर देंगे। तुम कुछ दिनों के लिए फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए फॉरेस्ट चली जाओ। फॉरेस्ट में? तुम फॉरेस्ट मिनिस्टर की बेटी हो, वहाँ जंगल में स्वागत होगा तुम्हारा। मैं अभी फोन करवा देती हूँ, रेडी हो जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? राजधानी से? तू क्यों डर गया रे? क्या बोल रहे तुम? मिनिस्टर आ रही है, मिनिस्टर आ रही है रे। क्या कहा? मिनिस्टर नहीं आ रही है, मिनिस्टर नहीं आ रही है रे। क्या कहा? मिनिस्टर की बेटी आ रही है, मिनिस्टर की बेटी आ रही है। तू क्यों हंसा रे? बोलो, भेजने होंगे? बारह हाथी के दांत, मर गए ठोक बजा के। सर हमारे जंगल में तो दांत वाले हाथी चार ही हैं। हिरण की चमड़ियां छह, शेर की चमड़ियां दो। ठीक है। तू क्या सुन रहा है? क्या सुन रहा है? शेर की चमड़ियां दो, हाथी के दांत बारह। क्या मुसीबत वाली नौकरी है। हाथी के दांत बारह, हिरण की चमड़ियां छह, शेर की चमड़ियां दो, एक आदमी की चमड़ी, मर गया ठोक बजा के। क्या बात सोची है? जब शहर में पेट नहीं भरा तो यहाँ जंगल में कूद पड़े। भारी पड़ जाएगा सर, ट्रांसफर हो जाएगा। उस गांव से इस जंगल में ट्रांसफर किया ठोक बजा के, इस गांव से उस जंगल में ट्रांसफर हो जाएगा ठोक बजा के। सुनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैं खड़ा खड़ा सुन। मिनिस्टर की बेटी आ रही है, उसे पूरा जंगल दिखाना है। ये सब तेरे से नहीं होगा, उस राजा को खबर कर दे। जंगल ही क्या, आकाश पाताल पूरा दिखा देगा वो। पैसा मिलेगा बोलना, नहीं तो नहीं आएगा। अब यहीं खड़ा जाता हूँ। ए, कैसे गाड़ी चला रहे हो, बैलगाड़ी की तरह? अपनी अम्मा से फोन करके कहो कि जंगल में भी पक्की रोड बना दे वो, तभी मैं ठीक से चला पाऊंगा। इडियट, ठीक से गियर बदलो, तुम्हारा हाथ मेरी जान को लग रहा है। बिस्तर समझा है क्या? ए, ऐसे मुंह क्यों बना रहा है? उसकी बू तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी खुशबू उसे अच्छी नहीं लगती। अरे मिस्टर, अयो अयो अयो, परेशान होने की जरूरत नहीं, चढ़ने उतरने की आदत है इसे। हाँ आजा। क्या कर रहे हो?
मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर रुक गई तो फिर स्टार्ट नहीं होती। झेल जाओ, सिट डाउन। पहले किसका पकड़ूं मैं? सभी कह रही है मेरा पकड़ो मेरा पकड़ो, सारे सूटकेसों को पकड़ने के लिए कोई नहीं कह रही। ए चिंटू, बहते हुए सूटकेसों को उठाकर किनारे लगा। अच्छा। बालिकाओं, हाथियों के पानी पीने का समय हो गया है, जल्दी नीचे उतरो जल्दी। हाँ, तुम्हें क्या मुंह चूमकर बोलना होगा? मैं मंत्री की बेटी हूँ, मैं नहीं उतरूंगी। तुम मुझे गोद में उठा कर ले चलो। खर्चा होगा? कितना? 100। तुम खाने में भी रुपए खाते हो? हाँ, पैसे वालों को नहीं छोड़ता। ठीक है, दूंगी, ले चलो। बन गए 100। बढ़िया है। अब क्या हुआ? किनारे पहुँच कर रुपए नहीं दिए तो? दूंगी मैं। मैडम, अमीरों पर भरोसा नहीं है मुझको। कैसे लोगे? मुंह में भर दो, भर दो। Why are you laughing? तुम मुझे गुदगुदा रही हो। पार्टी हो एक नंबर के। जितना मांगा होता दिया ना। 100 में 20 कम है। हाँ। क्या 20 रुपए के लिए मुझे पानी में गिरा दिया? नो। आत्माराम जी, ये भी कोई बात हुई? इतना बड़ा घर होते हुए भी आप इस खंडर जैसे घर में खाना खिला रहे हैं? उठाओ, उठाओ, उठ जाओगे नहीं? अरे कमाल है, भोजन के लिए बुलाकर फटकार रहे हैं। तुमने बात ही कुछ ऐसी की है, ये तुम्हें खंडर दिखता है? गलत, ताजमहल है। इस घर में हमारे सूरज की आत्मा रहती है। आओ। इधर आइए। आप क्या बोल रहे थे उनसे? यही कि तुम्हारा भाई। सब जानती हूँ मैं। मेरी अनुमति के बगैर लोगों से बात करने का साहस कैसे हुआ? यही तो मैं भी सोचता हूँ। वैसे तो सूरज भाई जैसा ही था। नॉनसेंस, ये गांव वाले तो यही समझेंगे कि मैं खास इसी मौके के लिए आई हूँ। सूरज की कुदरती मौत नहीं हुई थी, इस घर में रहने वालों ने कत्ल किया, इसलिए इस घर से और इस घर में रहने वालों से। एक अरसा हो गया, उस घटना को तुम भुला नहीं पाई? निजी स्वार्थ और लालच में हमारा कुटुंब छिन बिन कर दिया पापी लोगों ने। ये घाव कैसे जल्दी भर सकता है पिताजी? सुनो बेटी, राजा तुम्हारी आंखों का भय बर्दाश्त कर सकता है। आंखों से टपके आंसू नहीं, उसके जीवन में ये आंसू, ये दुख, तकलीफें कभी नहीं आनी चाहिए। जाओ, राजा आ चुका है। माँ, पूजा कर रही थी। ये क्या माँ, जंगल से बेटा सुरक्षित घर लौटा यही मांग रही थी भगवान से ना? अरे डरो मत मौसी, सभी जानवर राजा के दोस्त हैं। मुझसे टक्कर लेने कोई नया जानवर आएगा? Come on girls, छी, यहाँ एक भी शेर नहीं है। हो सकता है यहाँ एक भी शेर ना हो। आए क्या, मैं बुलाती हूँ शेर को। ए, तुम बकरी के हाथ निकालो। अरे सब मिलके निकालो। Oh,
चलो निकालो मेरे 20 रुपए। Shut up, you dirty fellow! नहीं दूंगी। तब तो जंगल से बाहर निकलना मुश्किल है। हाथ क्यों लगाया तुमने मुझे? हाँ? You country fellow? कंधा कर दिया ना? अयो 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 महारानी, शिव जी की जटा से निकलती गंगा की तरह बैठी रहोगी? उतरो उतरो ना। वैसे तुम कहां बैठी थी? यहां ना। सुनो, साइकिल पर बैठोगी? जी नहीं। ठीक है। इसलिए यू डर्टी फेलो, कैसे साइकिल चलाते हो? तुम्हारी ट्रिक्स अच्छी तरह जानती हूँ। इसी तरह मुझे टच करना। अयो 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 चाहे जितना भी चिल्लाओ महारानी, तुम्हारी ये डर्टी जबान कभी धुल नहीं सकती। पास ही एक झरना है, वहां जाकर नहा लेते हैं। चलो उठो। बदन तो चमक उठा है, अब निकलो। उधर देखो। बह गए या बाहर निकलो? नॉनसेंस, बिना कपड़े कैसे निकलूं? ऑल राइट, 50-50, पैंट मेरी, शर्ट तुम्हारी। देखो, तुम्हारी बेवकूफी के कारण ही घने जंगल में फंस गए हम लोग। रात पड़ते ही खूंखार जानवर आ जाएंगे यहाँ। जान प्यारी है तो जल्दी चलो। पढ़ाया बोलने वाला, ढोक बजा के। अरे बालिकाओ, भयानक जंगल में क्यों आई? शिकार को क्यों गई? मटक मटक के शेर के पीछे क्यों गई? इसी चक्कर में मिनिस्टर की बेटी गुम हो गई। मरवा दिया ठोप बजा के। सर, अरे तू चुप रह। इस बारे में मंत्री साहिबा से फोन पर बोला तो मेरी चंपी हो जाएगी। नहीं किया तो भी चंपी हो जाएगी सर। तू क्यों रो रहा है? कर फोन कर। ए मंत्री की बेटी, क्या है? लेट जा मेरे साथ। ए, मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्या? नीचे जानवरों का डर है। मैं नहीं डरती। ये जंगल है। आई नो, अफ्रीकन फॉरेस्ट है क्या? आफ्टर ऑल इंडियन फॉरेस्ट। मेरी बात मान, ऊपर आ जा। आई हैव फायर इन माई हैंड, शूज ऑन माई फीट एंड गट्स इन माई हार्ट, एंड आई एम गोइंग टू मार्च थ्रू दिस फॉरेस्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू। अब ऊपर क्यों आई? आफ्टर ऑल इंडियन मचान है। Shut up. हेलो, हाँ हाँ हाँ,
समस्या का कुछ पता चला? अभी तक कोई पता नहीं चला। तुम घबराओ नहीं बुआ, मैं पार्टी के जवानों को ले जाकर जंगल का कोना कोना छान मारूंगा। सरे आम अपने खानदान का पर्दाफाश हो जाएगा। अरे बहन, रानी के लिए तुम बड़ी परेशान हो, ये जानता हूं मैं, लेकिन हम मिलकर जंगल में बेटी को ढूंढने के लिए निकले तो बस शोर मच जाएगा कि अपनी लड़की को ढूंढने गई है मंत्री, और पेपरों में भी इस बात को छाला जाएगा। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। फॉरेस्ट में जाने की तैयारी की जाए। जी अच्छा। रानी, रानी, निकल ले, निकल ले, चल चल। मुझे बता के क्यों नहीं आई तू? राजा जी, राजा जी। क्या है? मुझे नीचे नहीं उतारोगे क्या? ऊपर कैसे चढ़ी तुम? वो क्या है, हाथी मेरे पीछे पड़ गया तो मैं ऊपर चढ़ गई। हाँ
अरे देखूं तो डोंट टच मी अयो 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 महारानी जी शिव जी की नंदी सवारी समझा है क्या मुझे उतरो वो गिरगिट है तो मैं घोड़ा नहीं हूँ उतरो नीचे तेरी वजह से न जाने कब से रास्ता भूलकर जंगल में भटक रहे हैं चला आजा ए मुझे भूख लगी है तो मुझे खा ले तुम टेस्टी हो क्या ए, ए, ये फल मत खा क्यों जहरी है नशा चढ़ेगा चढ़ने दो ए जो अच्छा लगेगा खाऊंगी तुम्हारी परमिशन क्यों लो तुम क्या मेरे हस्बैंड हो ए क्या लुक देता है मवाली गुंडा क्या मुझे इसकी अयो 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 ए ये क्या बकवास है हाँ ये फल खाने का नहीं है अरे तू भी खाएगा इसे ले 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 मुंह खोल अरे खा खा नमस्कार मैडम यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर कौन है वो भागा मैं ही हूँ मैडम मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हूँ मेरी बेटी की यहाँ देखभाल नहीं की गई तो औरों का क्या होता होगा यू आर सस्पेंडेड माफ कीजिए मैडम मेरी ब्याहने लायक एक बेटी है इसकी कोई गलती नहीं है हमारे मना करने पर भी वो शिकार पर चली गई इसकी कोई गलती नहीं ब्याहने लायक इसकी एक बेटी है इस बारे से माफ कर दो अगर तुम चाहो तो अच्छा उठो जंगल में मेरी बेटी को कैसे ढूंढेंगे मैडम उधर राजा नाम का एक गाइड रहता है उसे पैसे दोगी तो पैसा क्या पूरा देश उसके नाम लिख दूंगी उसका घर बताओ चलिए आइए दरवाजे पर ताला है मैडम ये लोग जंगल में सूखे पत्ते और लकड़ियां बटोरने गए होंगे उसका बाप क्या करता है बाप तो मर गया नाना और माँ है नाना और माँ उनका नाम क्या है नाम तो मालूम नहीं है ठीक है हम वहीं गेस्ट हाउस में रेस्ट करते हैं वो जहां भी हो उसे हमारे पास ले आना ले आऊंगा लगता उधर कोई है आओ चिंटू यहाँ के रहने वाले कहाँ हैं? वो जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। राजा को गेस्ट हाउस में भेज देना बोल देना नाना धीरे बोल उन लोगों से तुम डरते क्यों बेटे आदमखोर शेर भी इंसान को बख्श देगा मगर ये खूनी दरिंदे मुझे छोड़ेंगे नहीं ऐसा क्या राजा कहाँ है देख कर आता
डबला माल है। ए, क्या डबल मीनिंग डायलॉग मार रहे हो? स्टाइल मारते हो तुम, क्या समझते? मैं समझती नहीं, तुमने कौला माल मुझे कहा ना? तुम्हें? यस, मेरे फिगर को देखकर तुम्हारी तबीयत मचल रही है, क्यों? डू यू हियर मी? यू नो हु आई एम? आई एम रानी, डॉटर ऑफ राजेश्वरी देवी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, 4 times अनडिफिटेड MLA। और तुम अपना थोबड़ा तो देखो, लड़कियों से पैसे मांग मांग कर खटारा जीप में बैठकर आवारा गर्दी करने वाले लोफर हो। ए, मैं तुमसे बोल रही हूँ, वहां क्या देख रहे हो? लुक एट मी, आई से लुक एट मी व्हेन आई टॉक टू यू, यू अनसिविलाइज्ड कंट्री ब्रूट। कन्वेंशन की तरह क्या चिल्ला रहे हो? तुम्हारी आवाज रानी तक ना पहुंचकर किसी खूंखार जानवर तक पहुंच गई तो हम सब की समाधियां बन जाएंगे यहाँ। फॉरेस्ट ऑफिसर। मैडम, मैडम, अगर आपकी बेटी नहीं मिली तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। मैडम, रानी, राजेश्वरी, यहाँ आओ जल्दी, उधर झाड़ियां हिल रही है, हमारी बेटी वही होगी, जल्दी आओ। क्या है जी? अब देखना रानी, मेरी प्यारी रानी, आ बेटी। हंस क्यों रहे हो? एक दूंगे रखे सो। साहब, इस बंदरिया का नाम रानी है, आपकी पुकार पर शूटिंग छोड़कर यहाँ चली आई आपसे मिलने के लिए। भूलो गई, भूलो गई। मैडम, मैडम, जगह जगह गड्ढे क्यों खुदवा रखे? कहाँ मर गया फॉरेस्ट ऑफिसर? अरे मरा नहीं, जिंदा हूँ मैडम। रुको, फोटो लेने दो। अरे वाह, पत्नी गड्ढे में गिरी हुई है और आप फोटो ले रहे हैं, शर्म नहीं आती? शर्म काहे की? ये फोटो जब पेपर्स के फ्रंट पेज पर छपेंगे तो मंत्री महोदय की बड़ी पब्लिसिटी होगी। होपलेस, निकालो मुझे। संभल के मैडम, संभल के, प्लीज मुझे खोल दो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। एक ही मस्कान, एक ही मस्कान, एक ही मस्कान, एक ही मस्कान। डरो मत, ये इनका रिवाज है। शिवा का लपाकी बनाना। सुनो जी, क्या पूछ रहा है ये? हम दोनों पति पत्नी है, ये पूछ रहा है? नो 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 नो, जी नो, डिफरेंट डिफरेंट। लपाकी तुम्हारे बनाई। सुनो जी, ये क्यों उछल रहा है? वो कुंवारा है और तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ? उससे तुम्हारी शादी होगी तो मैं दावत उड़ाकर निकल लूंगा। प्लीज यार, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज यार, आई एम वेरी सॉरी। लकाम्बा जुकाम्बा, बनाना बनाना। हाँ। क्या कहा? मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, ऐसा उनको कहा। ऐसा क्यों बोला? किससे पूछ के बोला? तुमको मरना है तो मरो, वो टिंगू तुमसे शादी करके रहेगा। ए, उसके लिए इतना गुस्सा क्यों? ऐसे ही कहा ना। क्या कहता है? कुछ नहीं, तुमसे शादी के लिए हम दोनों में मुकाबला होगा, जीतने वाले से तुम्हें शादी करनी होगी। बाप रे। हाँ, हाँ।
अयो 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 एक ही झटके में उड़ा दूंगा ये बायो इकी भी खच्चा लेस बांध रहा था उसने मुझे मार दिया प्लीज तुम्हारा तो कहना इसको कैसे हो सकता है देखो कितना जोर खिला रहे लोगों से और मुझे मैं देख लूँ ना उसकी पावर खत्म होगी और पेट्रोल भरो इंस्पेक्टर
इतने साल गुजर जाने के बाद भी पुरानी बदले की याद नहीं बुझी सुंदरराज? बदला लेने तो तुम आ पहुंची हो जंगल में। नहीं, अपनी सहेलियों के साथ मेरी बेटी जंगल में आई और तुम लोगों ने मेरी बेटी को बदले की भावना से अपने राजा के साथ कहीं घात कर दिया। मेरे बेटे के साथ इस जंगल में तुम्हारी बेटी घूम रही है ये तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है। अब तो मालूम हो गया ना? बोलो कहाँ है मेरी बेटी? नहीं जानती, और अगर जानती भी तो नहीं बताती मैं तुम्हें, समझी? राजेश्वरी मार ले तू, थप्पड़ मार दिया तूने। कुछ साल पहले तूने मेरी मान मर्यादा पर वार किया था, अब भी पतिव्रता की तरह बातें करती हो। पतिता, पतिता के बेटे की पत्नी बनेगी तुम्हारी बेटी? नो, मेरे जिंदा रहते मैं ये होने नहीं दूंगी। जिंदा रहते हुए मैं ये करवा कर रहूंगी, देश तेरे नाम लिख दूंगी, अपनी रानी को तुम्हारी बहू बनने नहीं दूंगी। इंस्पेक्टर, किसी भी तरह से इनसे सच उगलवाओ कि मेरी बेटी को कहां छुपा रखा है। देरो, देरो, छोड़ दो इन्हें, मैं राजा को लेकर आता हूँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। इंस्पेक्टर, खोल दो इनको। पकड़ो से। चलो बहन।
राजा ने मेरी जान बचाई है। ये सब ड्रामा था। उसने जो मेहनत की है नो, उसकी मजदूरी उसके मुंह पे मार दी। नो मम्मी, नो, प्लीज, रानी, प्लीज लीव मी। चुप रहो, वायलेट। राजा, 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 मम्मी। बेटी, डैम इट, फ्लाइट टिकट फाड़ने से सफर को कैंसिल नहीं किया जाएगा। इसे पेरिस जाना ही होगा। क्यों जी, मुझे क्या देख रहे हो? बोलो अपनी लाडली को। नो, मुझे नहीं जाना है कहीं भी। You want to throw me out like this suitcase? Never. मुझे भेजने के guts किसी में भी नहीं है, तुम में भी नहीं। बोल दीजिए अपनी बीवी से। रानी, इतना घमंड? बचपन से जो तूने मांगा मैंने दिया, उसी माँ का कहना नहीं मानेगी? जरूर मानूंगी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो send me back to the forest. जंगल में किस लिए? वहाँ राजा जो है वो जंगली आदमी है। Nonsense. He saved my life. I love him. I love him. He's a cheat. उसने तुम्हें फंसाया है। You don't talk. तुम बात मत करो। You are a jackal. मैं मम्मी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँ। Mind it. Don't talk rubbish. तुम सोचती हो कि इस घर में तुम्हारी भलाई चाहने वाला कोई नहीं? हाँ नहीं है, इस घर में मेरी भलाई चाहने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। That is my father. My sweet baby. राजेश्वरी, छोटी बच्ची से क्या दुश्मनी? माँ और बेटी में झगड़ा क्यों? राजा अपना ही तो है। जबान को लगाम दो। अभी आपने क्या कहा डैडी? अरे बेटी, राजा नहीं, डैडी, इधर आओ इधर। डैडी मुझे सच बताइए, कभी तो इस घर में मत बंद कर बता दीजिए। इनके मुंह बोले भाई का बेटा। हा? चोली के पीछे क्या है? नानी नानी बाबूजी, ऐसा मत करिए। अग्गु भाई, सुबह होते ही अपनी कामवाली का बलात्कार स्वयं मंत्री के पति ने कर दिया, ऐसे पेपर में छपा तो तुम आज ही तो मुझे फांसी लगा कर मर जाएगी। रत्ना सुन, तू मुझे गलत समझ रही है। देख, छोटा सा एक ड्रामा करना है, उसके लिए पैसे दे रहा हूँ। कोई लाभ नहीं है बहन, मैं तुम्हें फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से होम मिनिस्टर में शिफ्ट कराने के लिए मुख्यमंत्री पर जरूर दबाव डालूंगा। ऐसा नहीं है कन्हैया, ये पुलिस वाले मिनिस्टरों को ही अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। इससे तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री अच्छी, क्योंकि वहाँ बेजुबान जानवर रहते हैं। कौन आ गया? राजेश्वरी, ये लड़की रानी की सहेली है, इसकी नोटबुक रानी के पास रह गई है, वही लेने के लिए आई है। थोड़ी देर बाद आने को बोल दूं? ये लड़की अपनी नोटबुक लेने आई है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है जी? ले लो बेटी। जा बेटी, मेरी बीवी ने कह दिया, ले ले। नाम क्या है बेटी? हाँ, सीमा मंत्यकमला। मुस्लिम लड़की मराठी में बोल रही है, कोल्हापुर की होगी, फातिमा मारता गड़बड़ है। कोल्हापुरी मुस्लिम, आजादी से पहले हिंदुओं से घुल मिल गए थे, तुम तो सभी पर शक करने लगते हो। तुम जाओ बेटी। छोटी मलकिन, छोटी मलकिन, ये लो। वो लड़की लौटी नहीं अभी तक। अबे हट, मुस्लिम ही है। अच्छा चलती हूँ। जीती रहो बेटी। लाल सैंडल में आई थी, सफेद पहनकर जा रही है, लफड़ा है। रानी, 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 भाग गई बुआ जी, राली भाग गई। सुनो, आधे घंटे में मेरी बेटी को ढूंढ कर नहीं लाए
तो ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी नौकरी। जाओ। मंत्री का वक्त कीमती होता है समझती हूं मैं। क्यों आए हूं वो भी चंद लफ्जों में ही बोलूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। क्या है, मेरी बात सुनने से पहले ही घबरा रही हो, पानी पीने की सोच रही हो? मेरा जवाब सुनकर तू खुद पानी मांगेगी, क्या कहना है बोल ना तू। तेरे लिए ही ये पानी रखा है यहां। गढ़े मुर्दे क्यों उखाड़ती हो, अब हवा का रुख मेरी ओर है। बेटा आ रहा है मेरा, तुम्हारी बेटी को अपना लेगा वो। Stop it! देश तेरे नाम लिख दूंगी लेकिन तेरे बेटे के साथ ये ब्याह नहीं होने दूंगी। मैं 6 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि हूँ। चीटिंग करके जीती हो तुम। 6 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि कैसे हो सकती हो भला? ए, खामखा टाइम वेस्ट मत कर, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे। ऑर्डर सुनने के लिए मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी की होने वाली सास हूँ। तुझे मेरे आगे झुकना पड़ेगा और मेरे बेटे के चरण धोने होंगे। मैं तेरे को हथकड़ियां लगवाऊंगी, तेरे लौंडे की टांगे तुड़वाऊंगी। कोई है वहां? तुम बहुत बोल चुकी, पी लो पानी। अगर मैं चाहती तो मंदिर में शादी करवा देती, रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड ब्याह करवा देती। तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आई हूं क्योंकि मैं ये झगड़ा सुलझाना चाहती हूँ। तुम 6 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि कहलवाने वाली, जिस दिन इस राजलक्ष्मी को अपनी समधिन मानोगी मुझे उस दिन का इंतजार है। जाओ बेटी, आज नहीं तो कल मैं अपने बेटे को आप बीती बता दूंगी। वो आएगा अपनी माँ की इच्छा पूरी करने। राजा, उस गांव में कदम रखते वक्त एक बात याद रखना कि वहां तुम बदले की भावना से नहीं बल्कि अपना प्यार हासिल करने जा रहे हो। जिस गांव में तुम्हारी माँ को पतिता कहकर पुकारा गया, जहाँ की मिट्टी तुम्हारी माँ के आंसुओं से भीग गई, उसी गांव में तुम्हारी ब्याह की शहनाइयां गूंजनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? रामपुर का राजा। सामने वाले भूत बंगले में ठहरा हुआ है, लोग उसे हैरत से देख रहे हैं। उसके हाव भाव से लगता है कि वो किसी खास मकसद से आया, मुझे डाउट हो रहा है। अब क्या करें? मुझे तो असेंबली की मीटिंग में जाना है। ऑपोजिशन पार्टी यहाँ डटी हुई है, तुम वहां क्या कर रही हो? तुरंत पहुंचो। आती हूँ। वो बुलाओ उसे।
जी, वो तो आ गया बुआ जी। गांव में क्यों आए हो? ओ खंजर, क्या लिखा है इसमें? तुम्हें पढ़ना आता है ना, पढ़ लो। मंत्री लोग सिर्फ सुनते हैं, पढ़ने की आदत नहीं होती उन्हें। याद रखो, बहुत जल्द ही तुम्हारी इस घिनौनी राजनीति का तख्ता पलटने वाला है। मामला क्या है बोलो। कुर्सी पर बैठकर या यूं ही बोलूं? तेरा सर चकरा गया है क्या? जो कहूंगा वो सुनकर तुम्हारा सर चकरा जाएगा। उसके हम लोग आते हैं, बोलो। किसने कत्ल किया मेरे पाप का? तुम्हारी मां ने। ये सच नहीं है, यही तुम्हें बोला। ये है मेरी पहली शर्त। ए! मेरी मां पतिता। शाबाश, खुद ही कबूल कर लिया। सारे गांव वालों के सामने खड़े होकर सरेआम तुम्हें यह बोलना पड़ेगा कि यह इल्जाम बेबुनियाद है। यह है मेरी दूसरी शर्त। बरसों से हड़पी हुई मेरे पिता की जायदाद को सूद समेत मुझे वापस लौटाना होगा, समझी? यह है मेरी तीसरी शर्त। असल में तुम सूरज के बेटे हो, कैसे मान लिया? बाप रे बाप, डालो। घर आए दुश्मन का भी हिंदुस्तान में मेहमान की तरह स्वागत करते हैं, समझे तुम? दाउडी लोगों ने एक तरफ से, गुंडों ने दूसरी तरफ से, और पुलिस ने पीछे से धमकाया, इस तरह से प्रजा को भयभीत करके जीते हुए मंत्री पद से तुम्हें राजीनामा देना होगा। यह है मेरी चौथी शर्त। ये पति को छोड़ सकती है, मंत्री पद नहीं छोड़ सकती। आखिरी सुनो। राजा, रानी, मेरे दिल में बसने वाली अपनी बेटी को बंद कमरे से तुम खुद निकालोगी और मेरे साथ उसका ब्याह रचाओगी। यह है पांचवी शर्त। देश तेरे नाम लिख दूंगी, मगर यह ब्याह नहीं होने दूंगी। यही नहीं, तेरी एक भी शर्त नहीं मानी जाएगी। आपस में समझौता ना होने पर कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, हस्तिनापुर में, और अब होगा रामपुर में। रुको, तुम सिर्फ जंगली जानवरों से खेलने की विद्या में होशियार हो, लेकिन मैं मनुष्य को उलझाने की विद्या भी जानती हूँ। अयो अयो अयो, बड़े से बड़े नेताओं को मात खाते हुए देखा है मैंने सासू जी, तुम्हारी मनुष्य को उलझाने की विद्या भी देख लूंगा। क्यों बहन, तुमने उसको छोड़ दिया, कहो तो उठवा दो। मैं प्रजा प्रतिनिधि हूँ कन्हैया, मेरे रहते हुए कुछ भी हुआ तो ऑपोजिशन वाले गड़बड़ करेंगे। इसीलिए तुम एक बार हाँ तो बोलो, फिर मैं उसे रानी से मिलने के पहले ही गांव से उठवा देता हूं, तुम देखना। यस, मैं हाँ बोलती हूं। सुनो, ये लोग कल से ही जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ऐसा रजिस्टर में एंट्री कर दो। क्या आप लोग किसी का मर्डर करके आ रहे हैं? जो बोला है वो करो, वरना तुम्हारा मर्डर होगा। रजिस्टर में लिखो। लिख लो डॉक्टर बाबू। इनके हाथ पैर तोड़ने मैं आ गया हूं, फिर हॉस्पिटल में भी भर्ती कर लेना। Thank you.
बेकार फोन, बेकार गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी है। भाषण बंद करो। हेलो कन्हैया। कन्हैया नहीं, दूल्हा। आवाज सुनकर मिर्ची लग गई ना। इतने समय तक तो मर्डर हो जाना चाहिए था। मर्डर तो हमारे खानदान में ये बुरी आदतें नहीं है। अयो 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 अयो, औरतों के हाथों में आभूषण ही शोभा देते हैं, तलवारें नहीं मिनिस्टर सासू। मस्ताई हुई हथिनी की तरह सूंड उठाकर बौखलाई फिर रही थी अब तक। तुम पर अंकुश लगाना ही होगा। अब हॉस्पिटल में जाकर अपने कन्हैया और उसके बेटे को देख लो, डिस्चार्ज करवा लो। पूरा इलाज होने तक अस्पताल में रहना चाहिए था, बस मरम पट्टी करवा के आ गए हो। चुप रहोगे, बहन का काम काज कौन देखेगा। बाप रे, उसने असल में हमें हिला हिला। बुआ, वो तो अंदर से निकल रहा है। शौक लगा देखिए वो। गुड मॉर्निंग ससुर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारा बदन टूट रहा है, सोया नहीं, नया हूं ना। तुम्हें आदत नहीं है ना, कई साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। घर जाकर गर्म जल से स्नान कर लो, तुम्हारा दर्द ऑटोमेटिक भाग जाएगा। जाओ। ठहरो, तुम घर में कब आए? रात को आया सासू जी। तुम्हारे लिए दरवाजा किसने खोला? रानी ने। रानी ने? सुनो दोस्त, रात को किसके कमरे में सोए थे? रानी के कमरे में। दोस्त, हे राम, इस इतने बड़े घर में कई कमरे खाले होते हुए तुम कुंवारी लड़की रानी के कमरे में क्यों सो गए? अयो अयो अयो, पराई स्त्री के कमरे में घुस जाता तो वो दान तोड़ देती दोस्त। बाप रे, तब तो फुल लाइट अल्लाह लग गया। राजेश्वरी, इससे तो मंत्री पद से राजीनामा देने की नौबत आने का संकट है। ये ठीक कह रहे हैं बहन, ये खबर ओपोजिशन वालों को मिल गई तो बुरा होगा। अपोजिशन की बात असेंबली पर छोड़ दो, पहले रानी की पोजीशन क्या, देखो चलकर। बस उतरे हुए बिंदिया खिसकी हुई, चूड़ा खुला हुआ और बदन भीगा हुआ, ये दशा तो किसी भी कुंवारी की नहीं हो सकती। उसके बावजूद किसी का घर जल गया, धुआं तक नहीं उठा और तू अपनी तीली को रो रहा है। मुझे आप थप्पड़ मार लीजिए, सर फोड़ दीजिए, लेकिन राजा और रानी रात भर ऐश कर रहे थे, ये कहां का इंसाफ है। रो मत। रानी, रानी, क्या मम्मी, क्या है? रात को राजा तुम्हारे साथ था? कमरे में नहीं मम्मी, ख्वाब में था। तो ख्वाब नहीं, हकीकत थी रानी। उसने क्या क्या बेटी? बस जैसे उसने मुझे छुआ, पूरे बदन में गुदगुदी सी होने लगी। गुदगुदी? रानी, ये सब ख्वाब में हुआ ऐसा तुम कह रही हो। सवेरे वो तुम्हारे कमरे से बाहर निकला, असल में क्या हुआ याद करके बताओ बेटी। राजेश्वरी, उसकी पांच शर्तों में से शादी की शर्त पूरी हुई, समझो। आप कुछ भी कहिए, ये हमारी जीत है ही नहीं, बिल्कुल कसम से बोलता हूँ। आप गुस्सा मत होइए, कल अगर मुख्यमंत्री ने सवाल किया तो हम क्या जवाब देंगे? सोचो सोचो, तुम लोग सोचो। मालकिनी, मालकिनी, साहेब टीवी पर आ रहे हैं। हमारी फॉरेस्ट मिनिस्टर श्रीमती राजेश्वरी देवी के पति श्री आत्माराम जी का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण करने वालों की शर्तें और अपहरण करने वाले कौन हैं, इसका कुछ पता नहीं लगा है। राजेश्वरी देवी, अपने पति के किडनैपिंग के बारे में आपका क्या विचार है? नो कमेंट।
इन 24 घंटों में आपके पति को मारा भी तो जा सकता है। नो कमेंट प्लीज। यानी पति की मौत के बारे में भी नो कमेंट्स कह रही हैं आप? यानी मैंने अगर कुछ बोला तो मेरे परिवार और मेरे देश का बहुत नुकसान हो सकता। नो कमेंट्स प्लीज। आपकी धुलाई की ऑर्डर क्या क्या डिमांड क्या थी आपको? असल में क्यों अपने अपने पेपरों के फ्रंट पेज पर मेरा फोटो छापो तो मैं बोलूंगा कुछ? जरूरत नहीं, आप नहीं बोलेंगे। आपने बोला थे प्रेस रिपोर्टर्स कुछ और ही छाप देंगे। चलिए यहाँ से। मंत्री जी सुनिए सुनिए सुनिए। आप लोग ठहरिए यहीं पे। पति को बोलने ही नहीं देती मंत्री, यही हेडिंग छाप देंगे। हाँ अब बोलो। बोलिए आतंकवादी थे क्या? वही तो बोला। आप इतने जोर से नहीं, प्रेस वाले खड़े हैं। अरे जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं देती। लाओ मत, कानों में कुछ सुनाई पड़े ऐसा बोलो। बोलता हूँ सुनो, उस राजा ने मुझे किडनैप कर लिया। बड़ी होशियारी से बच के निकल आया। बच के गए, उसको तो मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी? उसने मुझे अकेले को नहीं अमृतराम को भी किडनैप किया है। बाप रे, मेरा लड़का। चिल्लाओ मत, पर चले सुने। सच में वो मेरे लड़के को उठाकर ले गया है क्या? कल वो अपने साथ उसको रामपुर गांव में लेकर आएगा। पूरे गाँव के सामने उसकी माँ पतिता नहीं है ये कहना ही होगा तुम्हें। और मैं नहीं बोली तो? उसके पास बहुत बम है। इस लड़के के सर पर एक फूटा तो कलकत्ते में टांगे गिरेंगी, आगरे में हाथ और बंबई में खोपड़ी। बोलना हुआ कि वो पतिता नहीं है, इसी में हम सब लोगों का छुटकारा है। हर किस नहीं बोलूंगी। तुम्हारा लड़का तो क्या समझो? बहन राजेश्वरी, पैसा डूब जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर कमा सकता हूँ, पदवी गई तो वोटों से हासिल कर सकता हूँ। बेटा मारा गया तो क्या होगा बहन? बुढ़ापे में पैदा भी नहीं कर सकूंगा। बहन अब मान भी जा बहन, नहीं तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। शर्त तो जानती हो ना, अपने भांजे को बचाना चाहती हो तो बुलंद आवाज में कहो कि मेरी मां पतिता नहीं, वो पतिव्रता है। बोलो। बोल बहन, जल्दी बोल। मुझे अकेली की आवाज से तो प्रतिध्वनि नहीं होगी कन्हैया, गांव वालों से ही बुलवाती हूँ। इसकी मां पतिव्रता है? नहीं, नहीं। अगर इसकी मां गांव लाती तो तुम क्या करोगे? मैंने 18 साल की उम्र वालों को वोट देने का हक देकर अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की अकलमंदी की हुई है, और एक झटका दूं? पहले इस पर संगीन से वार किया, तेरी माँ ने और तेरे नाना को लेकर फरार हो गई। इस जुर्म में इसे अभी हथकड़ियां लगवाती हूँ। इंस्पेक्टर, बहन ये क्या क्या? बहन मेरा बेटा उसके कब्जे में है, ये जानते हो तुमने ऐसा क्यों किया? माँ को छुड़ाने के लिए वो तुम्हारे बेटे को खुद लेकर आएगा। राजलक्ष्मी कहाँ है? वहाँ है। ए, तेरा नाम क्या है? जय पांडे जी। 20 साल पहले तूने क्या देखा? इस राजलक्ष्मी ने सूरज को चाकू भोंकर मार डाला। नाम बोल। गौरी शंकर है जी। क्या बोलेगा रिकॉर्ड में? राजलक्ष्मी ने आपको स्टेशन पर चाकू से मारा और भाग गई है, मैंने देखा। पैसे की लालच में शनाप कुछ भी पकड़ा है। अरे बाप रे, मैं कुछ नहीं जानता, वकील साहब ने जो बोला मैंने वही बोल दिया। सूरज की औलाद कोर्ट में ऐसा बोलकर हम लोग को जेल में भिजवाएगा, बाहर निकल। कैसे गवाहों को लाए हो जी? ये मिनिस्टर का पर्सनल केस है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इन्हें कोर्ट में क्या बोलना है इसकी ट्रेनिंग मैं दे दूंगा। ये लो फाइल, चलो। राजलक्ष्मी, कल कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। बेल पेपर्स। बेटा, राजा। बेल पेपर्स तूने जलाए क्यों? बेल पेपर्स तुमने दिए क्या मुझे?
मेरी ठुकाई क्यों करते हो? ठुकाई? मैंने कब ठुकाई की? जो गुनाह 20 साल पहले मेरी मां ने नहीं किया, लेकिन उसे गुनाहगार साबित करने वाले इस झूठी फाइल को बेल पेपर्स की तरह ही जलाना होगा तुम्हें। जलाओ। है वो ढूंढो उन्हें, बच के ना जा पाए। चाहिए, यही शिकायतें करना चाहते हो तुम लोग? एक केस को भी
नहीं सकते। अरे मिनिस्टर के बारे में अगर इस तरह का नजरिया है तो मामूली प्रजा के साथ तो अंधाधुंध नाइंसाफी करते होगे तुम लोग। स्काउंडल, मुझसे गेम खेलने चला है, उसे तो मैं खुद देख लूंगी। यस, मैं अभी होम मिनिस्टर को फोन करके ऑर्डर्स लेती हूँ, वो जहां कहीं भी दिखे गोली मार दी जाए। यस मैडम। इंस्पेक्टर, मम्मी की हर बात पर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हो। रानी, यस, अगर राजा को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और ये लिखकर मरूंगी कि इसका कारण आप है। सी दिस, सी दिस। ये ऐसे ही बकती है, तुम जाओ। नो, आई एम नॉट जोकिंग, मैं हकीकत में मर जाऊंगी। उफ़ो, तुम जाओ ना। नो, बेटी रानी, 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 कुछ करो जी, कन्हैया। रानी, 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 रानी बेटी, रानी। जंगल में जानवरों से उलझने वाले जंगली तुझे मंत्री की बेटी चाहिए। जंगल में शेर को पछाड़ सकता है तू, लेकिन शहर की पुलिस की लाठियां बर्दाश्त नहीं होंगी तुझसे। तेरे गिरफ्तार होते ही ये प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी। तेरे कोर्ट से जेल पहुंचने तक के समय में मैं अपनी बेटी की शादी करवा के उसे विदा कर दूंगी। इंस्पेक्टर, ये गुनाह तुम्हें कबूल है? मेरे थोबड़े और उस इंस्पेक्टर के थोबड़े को देखिए, आपको किसका थोबड़ा देखकर लगता है कि चोर कौन है योर ऑनर? ऑर्डर, ऑर्डर, ये मत बोलो कि तुम कोर्ट में हो। इस दिल को मंत्री अगर पहचान लेती तो यह कहानी कोर्ट तक ना पहुंचती, रामपुर गांव में ही खत्म हो जाती। पुलिस पर हाथ उठाना जुर्म है। पति का पत्नी पर हाथ उठाना जुर्म है, लेकिन कोई है यहां जिसने कभी अपनी पत्नी पर हाथ ना उठाया हो? बाप का बेटे पर हाथ उठाना जुर्म है, लेकिन कोई है यहां जिसने कभी अपने बेटे पर हाथ ना उठाया हो? पुलिस पर बेगुनाहों का हाथ उठाना जुर्म है, तो बेगुनाहों पर पुलिस का हाथ उठाना भी जुर्म है। बेल पेपर्स को पुलिस स्टेशन में सिगरेट लाइटर से जलाने वाले इस जल्लाद को पुलिस ऑफिसर कहते हैं। पुलिस वालों को अपने घर का कुत्ता समझने वाली राजेश्वरी गौरवशाली मंत्री है। ये रहे मनुष्य ने मनुष्य को दी हुई सजा के निशान, योर ऑनर। अगर उस लड़के ने मंत्री जी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कहा और कोर्ट ने एक्शन लिया तो महिलाओं के वोट तो मिलने से रहे। बजर बट्टू, महिलाओं के वोट तो समझे, उस लड़के का इंटरव्यू छप गया तो अपनी महिला मंत्री को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, राजेश्वरी पर एक्शन लेना ही होगा। आई हेट यू, आई हेट यू। तुम मेरी माँ नहीं, चुड़ैल हो। ए लड़की खामोश, कुछ ही दिनों के बाद ये चुड़ैल तुम्हें देवी लगने लगेगी। फोन की घंटी बज रही है, उठाइए। उसे क्या सजा मिली है मालूम तो हो? हेलो, ऐसा क्या? उसे क्या सजा मिली? सजा उसे नहीं हुई है, तुम्हें हुई है। गवर्नमेंट मशीनरी को खुद के लिए मिसयूज करने के जुर्म में मुख्यमंत्री ने उखाड़ फेंका है तुम्हें मंत्री पद से। बोर्ड मेंबर से बोर्ड प्रेसिडेंट बनाया, एमएलए से मंत्री बनाया, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना मैंने देखा था वो केवल सपना ही रह गया। राजा के कोर्ट में दिए बयान से डूब गई लुटिया। बहुत अच्छा हुआ, अभी तो राजा ने पदवी से हटाया है, अब वो जेल भिजवाएगा। चुप मुई,
ये दोनों बालिग हैं, इनके प्यार पर यकीन करके कल अगर कोर्ट इनकी शादी कबूल कर ले तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे बहन। ये बालिग है कोर्ट में कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। अब तुम्हारे घूरने के दिन लग गए, अब तो मैं देख लूंगा तुम्हें। बहन राजेश्वरी। हाँ? अब देर करने से कोई फायदा नहीं, 24 घंटे के अंदर उसकी शादी कर देनी चाहिए। करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ढंग का लड़का तो हो। कैसी बातें करती हो बहन, लड़का तो ये बैठा है। ये इस पागल से करने से तो उस दीवाने से करना बेहतर है। हा? कई सालों बाद सही बात की। मेरा बेटा पागल है, पदवी छूटते ही जबान फिसल गई। क्या पहले से तुमने यही इरादा कर रखा था? ओफो, काहे को बेकार की आर्ग्यूमेंट। मैं अपनी बेटी की शादी होम मिनिस्टर के बेटे से करवाने का ख्वाब देख रही थी। मैंने भी देखा था तुम्हारे पोस्टरों को मैदा लगाकर चिपकाने वाले इन्हीं हाथों से। ओपोजिशन के पोस्टरों पर गोबर भी मैंने ही फेंका था। रिगिंग करवाई, लूट मार करवाई, किसी भी तरह से तुम्हें जितवाया, कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चला, सिर्फ इसी मकसद से कि ये जायदाद किसी और की नहीं, सिर्फ मेरे बेटे की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई ठहरो, आगे कहाँ बढ़ रहे हो? गुंडे लोग मंत्रियों की भाषा नहीं ममालियों की भाषा समझते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाएंगे और शादी करवा के आशीर्वाद के लिए यहाँ ले आएंगे। ले चलो। क्या करो, क्या करते हो? क्या करते हो? छोड़ो मुझे। ओहो, टायर बदलो, चलो नीचे उतरो। सुनो जी, अमृतराम से अगर मेरी बेटी की शादी हो गई तो मैं मर जाऊंगी। तो मैं क्या करूं? पत्नी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते हैं ये हाथ। क्या मैं रैम्बो हूँ जो ये रस्सियां तोड़ सकूं? मजाक मत कीजिए, पहले यहाँ से बचती करने की सोचिए। सुनो, मेरी जेब में लाइटर है, निकाल कर दो। लाइटर? यानी चोरी चोरी मुझसे छिपकर सिगरेट भी पीने लगे? चुप बैठ, वक्त बर्बाद न कर। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारी मनमानियों की वजह से ये सारी तबाही हुई है राजेश्वरी। चुपचाप जेब से लाइटर निकाल। निकालना ही होगा, जरा जेब नजदीक लाइए। जेब तक हाथ पहुंचता तो मैं खुद निकाल लेता। गजब हो गया। क्या हुआ जी? बम उड़ गया। सुनो जी। कहो जी। सुनो जी। कहो जी। सुनो जी। कहो जी। मैं जल मरूंगी। क्या करूं? मैं चली जा रही हूँ। कोई चारा नहीं। बाप रे, आग बढ़ती जा रही है। अरे पापों की सजा। रानी, रानी, राजा बेटा, राजा हमें खोल दे बेटा। ये क्या राजा, हम मौत के मुंह में हैं। जियो या मरो, मुझे उससे क्या वास्ता, मुझे सिर्फ रानी चाहिए। ऐसी घूंघ क्यों बैठी हो? कहो,
अगर औरत होते हुए तुम्हें इतना घमंड रहे तो वो तो फिर मर्द है। तुम कहोगी तो बचाएगा, इस समय देर करने से स्वर्गीय राजेश्वरी हो जाओगी। राजा जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसे, हमें रस्सियों से जकड़कर कन्हैया रानी की शादी अपने बेटे अमृत से करवाने से जबरदस्ती ले गया। भले ही हमें ना बचाओ पर रानी की शादी होने से रोक ले। पतिता और कातिल के बेटे से शादी कराने से तो बेहतर है कि उस कन्हैया के बेटे से ही हो जाए। दहेज में देश तो लिख कर दे सकती हो। राजा आग नजदीक आ गई। तुम्हारी जोरू किसी आग से कम है क्या? अरे कर्मोजली उसे बोल बचाए, नहीं तो तेरे साथ साथ मैं भी जल मरूंगा। राजा तुमको यहाँ पर भेजने का कन्हैया का प्लान है ये। रानी कहाँ है? मैं बता दूंगा। नहीं अरे अरे मुझे मत मारो, नहीं बोलेगा तो मार डालूंगा। चलो अरे अरे हाँ बताता हूँ मुझे मत मारो, बताता हूँ। इस जंगल के उस पार राम का मंदिर देखा है? उस मंदिर में ही शादी कराने गए हैं। क्या हुआ रे? डीजल खत्म। जानते नहीं शाम के 7 बजे के बाद और इतवार के रोज डीजल नहीं मिलता। आज इतवार है, पहले चेक क्यों ना? बाप रे, डैडी आज आ रहा है पीछे। आ जाएगी। स्टार्ट करो। चिड़ियाघर की जानवर है इसमें, स्पीड बढ़ाऊंगे तो मर जाएंगे। क्या करूं?
अयो 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 रानी, ये राजा किसी भी कीमत पर हम दोनों की शादी नहीं होने देगा। इसके स्वागत तो बनाई लेता। नो, नो। अच्छा, अच्छा। लीव मी, लीव मी। तो बोल मेरे बाप का कातिल कौन है? बोल 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 राजा, मैंने सूरज को नहीं मारा। हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि उसी बकरा बकरी में ऊपर से उसका पांव फिसल गया और वो नीचे हाल के नोक पे गिर गया। उसकी मौत कल साहब आपने तुम्हारी मां पे लगा दिया। मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो। अड़ोस पड़ोस वालों की नजर ना लगे, बाहर वालों की नजर ना लगे, थू 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 थू। अपनी नजर नहीं कहोगी? हाँ, मेरी नजर भी ना लगे, थू 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 थू। दू तो नहाओ, पू तो फलो बेटी। अंदर चलो राजा बेटी। चलो चलो। रुक क्यों गई राजलक्ष्मी? अंदर आओ। राजलक्ष्मी, मैंने कन्हैया के बहकावे में आकर तुम पर शक किया और अपमान किया। तुम्हें गर्व से आज मैं अपनी समधन कहती हूँ। अंदर चलो ना मेरी प्यारी समधन, आओ ना। दूल्हे राजा, तुम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो, देख के रहे हो, टिकट दो। ये लो ना। अयो 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 अयो, मुझे अमीरी और ऐशो आराम में जीने की आदत नहीं है एक्स मिनिस्टर सासू जी। हम लोग अपना हनीमून स्विट्जरलैंड में नहीं, जंगल में मनाएंगे चांदनी रात में।